सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि मैं प्रस्तुत होने का मौका दिया। विशेष रूप से हमारी भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के जिले के प्रभारी भाई शिवहार व्यक्त करता हूँ। हमारी महामंत्री बहन चमेली जी, उनका बहुत आभारी हूँ। मेरे साथ इस प्रवास में आए हुए हमारे भारत स्वाभिमान के छत्तीसगढ़ प्रांत के मुख्य प्रभारी माननीय श्री आचार्य जी, उनका भी बहुत आभारी हूँ। हमारे सह प्रांत प्रभारी भाई श्री रविंद्र जी, उनका आभारी हूँ। हमारी महिला राज्य प्रभारी बहन जया जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और उन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनका नाम नहीं ले सका। मैं आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने आया। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक आंदोलन शुरू किया है। यह आंदोलन सारे भारत देश में चल रहा है। भारत देश के लगभग 600 जिलों में ये भारत स्वाभिमान का अभियान इस समय चल रहा है। इस अभियान को 250,000 योग शिक्षक अपनी पूरी क्षमता और शक्ति से चला रहे हैं। और इन 250,000 योग शिक्षकों का हम जितना भी प्रशंसा करें वो कम है, क्योंकि ये सब अपना समय लगाकर, अपने संसाधन लगाकर, अपने पैसे खर्च करके इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे। संपूर्ण निस्वार्थ भाव से और पूरे समर्पण से आने वाले 2 वर्षों में करीब 11,00,000 लोग शिक्षक इस आंदोलन में और जुड़ने वाले हैं। और इन 11,00,000 योग शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य इस समय चल रहा है। अलग अलग जिलों में प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं और उसमें योग शिक्षक तैयार हो रहे हैं। 2 वर्षों के बाद हमारे पास 13,50,000 योग शिक्षक हो जाएंगे। और इतने योग शिक्षक होने के बाद हम हमारे इस भारत स्वाभिमान आंदोलन को गांव-गांव तक लेके जाएंगे। भारत में 6,38,365 गांव हैं। हर गांव में हमारे 2 योग शिक्षक तैयार हों, ऐसी हमारी भावना है। और अगले 2 वर्ष में हम ये कर पाएंगे। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, करना क्या है? 13,50,000 योग शिक्षक हमें जो गांव-गांव भेजने हैं, क्या करने के लिए? ये सारे योग शिक्षकों को गांव-गांव भेजकर हर व्यक्ति की बीमारी दूर कराना, हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना। हमारे देश के भारतवासी जो बहुत बीमार हैं, इनकी बीमारियों को ठीक कराना, ये हमारा पहला उद्देश्य। परम पूजनीय स्वामी जी बार बार कहते हैं कि भारत में किसी की भी मौत बीमारी से नहीं होनी चाहिए। हमारा ये प्रमुख उद्देश्य है, कोई बीमारी से ना मरे। अपना समय पूरा करने के बाद कोई मरे तो उसका तो ठीक ही है, बीमारी से कोई ना मरे, हर व्यक्ति स्वस्थ हो, निरोग हो। ये पहला काम हमें करना है। दूसरा करना है कि भारत की जो गंभीर समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, नक्सलवाद, हमारे देश में बढ़ता हुआ अन्याय, अत्याचार, इन सब का हम समाधान करना चाहते हैं।
आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये दोनों काम कैसे करेंगे, एक तरफ हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना और दूसरी तरफ भारत की गरीबी बेरोजगारी मिटाना कैसे होगा। ये काम भारत के लोगों का संगठन बना के हम करना चाहते हैं। हर भारतवासी को स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए योग प्राणायाम और आयुर्वेद सिखाना चाहते हैं। हर व्यक्ति योग करे प्राणायाम करे और जरूरत पड़ने पर आयुर्वेद की दवाओं का उपयोग करे, इसी से हर व्यक्ति स्वस्थ बन सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है लोगों को स्वस्थ बनाने का। क्यों? क्योंकि ये रास्ता बिना खर्चे वाला है। योग प्राणायाम सिखाकर और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के बारे में लोगों को बताकर हम बिना पैसे किसी का भी इलाज कर सकते हैं और भारत देश में ऐसा ही इलाज बहुत कारगर है जिसमें पैसे खर्च ना हो, क्योंकि पैसे खर्च करके सब लोग इलाज नहीं करा सकते। कारण उसका ये है कि हमारे देश में गरीबी बहुत है, हमारी 120 करोड़ की जनसंख्या है और 84 करोड़ लोग गरीब हैं। अब वो जो गरीब हैं वो इतने गरीब हैं कि एक दिन में 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। अब 84 करोड़ भारतवासी अगर एक दिन में 20 रुपए ना खर्च कर पाए, इतनी गरीबी में वो रह रहे हैं, तो उनके पास दवाएं खरीदने को पैसे नहीं, और दवाएं हमारे देश में बहुत महंगी हैं। चाहिए सामने कम करो, इतना क्यों बढ़ा दिया, एकदम कम करो। कान में चुभनी नहीं चाहिए और इको बिल्कुल नहीं चाहिए। हर भारतवासी दवा खरीद पाए उसके पैसे नहीं है उसके पास, क्योंकि दवाएं बहुत महंगी हैं, इलाज बहुत महंगा है। हम किसी भी एलोपैथी चिकित्सा के डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी फीस ही काफ़ी है आजकल तो। फिर वो जो जांच करवाता है, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई, ये बहुत महंगा है। एक एमआरआई कराना पड़े तो 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। अगर हमें खून की जांच करानी पड़े, पेशाब की जांच करानी पड़े, बहुत महंगा है, ये गरीब आदमी के बस में अपने। और अगर ऑपरेशन कराना पड़े तब तो बहुत ही खर्च है। एक मामूली सा ऑपरेशन होता है जिसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं, उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब एंजियोप्लास्टी जैसे ऑपरेशन में 1.5 से 2 लाख खर्च हो जाता है, अगर बाईपास सर्जरी करनी पड़े तो 2.5-3 लाख खर्च होता है। अगर किसी की किडनी खराब हो गई और उसको बदलवाना पड़े, 3.5 लाख रुपए खर्च होता है एक किडनी का, और दोनों किडनी बदलवानी पड़े तो 7 लाख खर्च हो जाता है। लीवर किसी का बहुत खराब हो गया हो और नया लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़े, एपेंडिसाइटिस, पेट में दर्द हुआ, उसमें 15-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। प्रोस्टेट का अगर सामान्य सा ऑपरेशन करें जिसमें मुश्किल से 1 मिनट लगता है, उसमें 8-10 हज़ार रुपये लोगों का खर्च हो जाता है। कि जो गरीब इलाज नहीं करा पाते वो तो बिना दवा के मरते हैं तड़प तड़प कर, लेकिन जो गरीब कहीं से इलाज कराने के लिए पैसे का जुगाड़ कर लेते हैं, जुगाड़ से मतलब कर्ज ले लेते हैं कहीं से, जमीन बेच देते हैं, अपनी घर के गहने बेच देते हैं, ऐसा अगर कोई कर पाए कहीं से पैसे का इंतजाम, तो वो जिंदगी भर फिर वो कर्ज ही चुकाते रहते हैं और उनका पूरा परिवार कर्जे में डूब जाता है। हमारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का कहना है कि हर साल इस देश में 10% लोग और ज्यादा गरीब हो जाते हैं
महंगी दवाएं और इलाज के चक्कर। हर साल 10% और गरीब होता है। मतलब इसका समझते हैं आप, जैसे आपकी गरीबी है, आपको आज 20 रुपए की आमदनी है एक दिन में, अगले साल में इस आमदनी में 10% कमी और आ जाएगी। माने अगले साल आपकी गरीबी इतनी हो जाएगी कि दिन की आमदनी 18 रुपए रह जाए, क्योंकि आपने वो 2 रुपए जो है ना इलाज कराने में खर्च कर ली। और उसके अगले साल आपकी आमदनी 15 रुपए रह जाएगी, 16 रुपए रह जाए। हर साल 10% गरीबी बढ़ती जाती है। जब भी लोग इलाज कराने के लिए कहीं से कर्ज ले लेते हैं, घर बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं, पत्नी के गहने बेच देते हैं, बड़ा बुरा हाल है देश का। और ये बुरे हाल का कारण क्या है आप पूछोगे? इसका कारण है कि हमारे देश की जो सरकार है, ये इलाज के लिए, बीमारियों के लिए पैसे खर्च ही नहीं करती। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां पर चिकित्सा के लिए सरकार पैसे खर्च करती है और इसी के लिए सरकार टैक्स लेती है। आप अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, ब्रिटेन में जाएं, फ्रांस में चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं, डेनमार्क में जाएं, बेल्जियम में, स्पेन में जाएं, ये सभी देशों में क्या होता है कि कोई भी बीमार पड़े, करोड़पति हो या रोडपति, अमीर हो या गरीब, सरकार उसका इलाज कराती है। किसी के जेब से पैसा खर्च नहीं होता बीमार होने पर। और सरकार क्या करती है कि लोगों से टैक्स ले लेती है उसके बदले में। तो टैक्स के पैसे में से वो सबका इलाज कराते हैं। इसलिए ये जो अमेरिका, कनाडा जैसे देश हैं, वहाँ गरीबी के बावजूद कोई व्यक्ति बिना इलाज के नहीं मरता। टैक्स तो हम भी किसी से कम नहीं देते, भारतवासी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के नागरिक तो अधिक से अधिक 2-3 टैक्स देते हैं, हम तो भारतवासी 64 तरह के टैक्स देते हैं। टैक्स तो हम सबसे ज़्यादा देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं हम, सेंट्रल एक्साइज देते हैं, सेंट्रल सेल्स टैक्स देते हैं हम, हाउस टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, कॉरपोरेशन के टैक्सेस देते हैं हम, सब तरह के टैक्स देते हैं। और टैक्स में हम पैसे भी भरपूर देते हैं सरकार को। एक साल में भारतवासी केंद्र सरकार को 8.5 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं एक साल। इसका मतलब आप समझते हैं, हर भारतवासी केंद्र सरकार को लगभग 8,000 रुपये टैक्स देता है। और छत्तीसगढ़ सरकार को जितना आप टैक्स देते हैं वो इसमें मैं अगर जोड़ लूँ तो केंद्र और राज्य सरकार को आप एक साल में 10,000 रुपये टैक्स देते हैं हर व्यक्ति के हिसाब से। माने आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक एक व्यक्ति साल में 10,000 रुपये टैक्स देता है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारे चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए खर्चा करें उसमें से, लेकिन सरकार नहीं करती। आप पूछेंगे बिल्कुल नहीं करती क्या? बहुत थोड़ा सा करती है, मामूली खर्च करती है। अगर मैं टैक्स के पैसे के हिसाब से आपको समझाऊं तो हमारी सरकार एक साल में हमारे इलाज के लिए केंद्र की सरकार 37 रुपये खर्च करती है हर आदमी पर एक साल, केंद्र सरकार। और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के पैसे अगर मिला दिए जाएं तो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार एक आदमी के इलाज पर साल में 13 रुपये खर्च करती है, तो कुल मिलाकर वो 50 रुपये खर्च करते हैं आपके ऊपर। और आप टैक्स कितना देते हैं? 10,000 रुपये। और आपके इलाज पर खर्च होता है 50 रुपये एक साल। अब आप मुझे ये सोच कर बताओ कि 50 रुपये अगर आपके ऊपर सरकार खर्च करती है एक साल में, तो इतने कम पैसे में कौन सी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं?
मान लो आपको सर्दी जुकाम हो जाए, उसकी दवा खानी पड़े तो वो 250-300 रुपए में आती है। अगर आपको मलेरिया बुखार हो जाए तो कम से कम आपका 1000-1500 रुपए खर्च हो जाए। वायरल फीवर हो जाए आपको 2500-3000 खर्च हो जाए। और जो कोई गंभीर रोग हो गया हो, जैसे डायबिटीज, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जैसे दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, तो इसमें तो लाखों रुपए खर्च होता है आपका। अब सरकार सिर्फ 50 रुपए खर्च करेगी आपके लिए, तो आपकी कोई बीमारी उसमें ठीक हो नहीं पाएगी। इसलिए गरीब आदमी कोई बीमारी ठीक नहीं करा पाता। अब थोड़ा आगे बढ़े, कुछ अमीर आदमी भी हैं इस देश में, मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के, जिनमें आपकी गिनती होती है, मेरी भी होती है। हम कुछ मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के करीब 30-35 करोड़ लोग हैं जो अपना पैसा खर्च करके इलाज करा पाते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनकी महीने की आमदनी 10,000 रुपए से ऊपर है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि वो खर्च कर पाते। अब उनकी दूसरी समस्या है कि वो पैसे तो खर्च करते हैं इलाज में, लेकिन उनको कोई भी बीमारी हमेशा के लिए ठीक नहीं हो पाती। जैसे हमको डायबिटीज हो गई, अब हम इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो पैसा तो खर्च हो रहा है इंसुलिन लगा रहे हैं, लेकिन इंसुलिन हम 10 साल लेते रहे या 15 साल, डायबिटीज ठीक नहीं होने वाली। जब तक इंसुलिन लेंगे तब तक शुगर कम हो जाएगी, जिस दिन बंद करेंगे शुगर फिर बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर आप मान लो पैसे खर्च कर रहे हैं और हाई ब्लड प्रेशर के लिए गोलियां खा रहे हैं, तो एक गोली का असर 4 घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे। तो आपने एक गोली खाई, 4-5 घंटे के लिए ब्लड प्रेशर कम हुआ, फिर दोबारा बढ़ जाएगा, फिर गोली खाओ, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर खाओ, और थोड़े दिन में ये गोली खाते खाते आपकी आदत ऐसी हो जाएगी कि फिर एक गोली खाने से ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा, फिर 2 खानी पड़ेगी, फिर थोड़े दिन बाद 2 से 3 हो जाएगी, फिर 3 से 4 हो जाएगी, और एक दिन आपके शरीर में ड्रग रेजिस्टेंस आ जाएगा। ड्रग रेजिस्टेंस माने दवा का असर ही खत्म हो जाएगा, शरीर पे असर ही नहीं होगा। तब डॉक्टर कहेगा जी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप ऑपरेशन करा। तो पहले गोलियां खाई, इसमें पैसे खर्च कर दिए, अब ऑपरेशन करवाओ, एंजियोप्लास्टी जिसमें 1.5 लाख खर्च हो, एंजियोप्लास्टी का इसमें क्या होने वाला है, एक छोटी सी स्प्रे आपके हृदय को रक्त देने वाली जो नली है उसमें डालते हैं। हमारे हृदय का काम क्या है, रक्त को ले, हृदय का काम है लेना देना। और ये जो हृदय शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में 2 धातुएं हैं, रि और दय, रि माने लेना, दय माने देना, तो हृदय माने लेना देना करे वो हृदय। क्या लेना देना, खून, खून को लेता है, खून को देता है। तो जब हृदय खून को लेता है तो जिस नली से खून जाता है उसमें रुकावट आ जाएगी, उस रुकावट को दूर करने के लिए एक स्प्रिंग डाल देते हैं। वो स्प्रिंग वही होती है जो बॉल पेन में, आपने देखा है बॉल पेन में एक स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग को डॉक्टर की भाषा में स्टंट कहते हैं। तो वो स्टंट डाल देते हैं इतनी बड़ी स्प्रिंग, तो जहाँ तक वो स्प्रिंग डली रहती है वहाँ खून अच्छा रहता है, और जहाँ स्प्रिंग खत्म होती है वहाँ पे फिर जमा हो जाता है कचरा, तो वो स्प्रिंग बेकार हो जाती है थोड़े दिन। तो आपने 1.5-2 लाख दिया और 6-8 महीने में स्प्रिंग बेकार हो गई, फिर दोबारा से आपको दिल का दौरा पड़ेगा और डॉक्टर कहेगा आप दूसरा ऑपरेशन करो, दूसरी स्प्रिंग डलवाओ, फिर 1.5-2 लाख खर्च होगा, फिर थोड़े दिन में वही हालत होगी, तो जिंदगी तो आपकी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी।
तो भारत में दोनों बड़ी भयंकर समस्याएं, एक तरफ तो जो गरीब हैं 84 करोड़ वो पैसे ही खर्च नहीं कर सकते इलाज के लिए, और दूसरी तरफ जो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इलाज करा रहे हैं 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन बीमारी नहीं मिट रही। कल मैं रायगढ़ में था तो वहाँ के हमारे एक परम पूजनीय स्वामी जी आ रहे हैं रायगढ़, तो उनकी आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय के घर ठहरा था। वो 37 साल से इंसुलिन ले रहे, 37 साल, और उनकी शुगर ठीक नहीं। आप बोलेंगे इसका कारण क्या है कि जो पैसे खर्च कर सकते हैं उनकी बीमारियां ठीक क्यों नहीं होती। उसका कारण है कि जो दवाएं वो खाते हैं वो दवाएं जो है ना परमानेंट इलाज करने वाली है ही नहीं। दुनिया में दो तरह की दवाएं बनती हैं, एक दवाएं होती हैं जो ट्रीटमेंट करती हैं। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि दवा खाई आपने और बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो गई, ऐसी दवा को कहते हैं मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए ठीक होना, ऐसी दवाएं दुनिया में। लेकिन ये सारी दवाएं जो ट्रीटमेंट करती हैं वो आयुर्वेद में बनती हैं, वो एलोपैथी में नहीं बनती। एलोपैथी की सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो टेम्परेरी रिलीफ करती हैं, तात्कालिक आराम देती हैं, और सिम्टोमेटिक रिलीफ करती हैं। सिम्टोमेटिक रिलीफ का माने कि आपको जैसे कोई भयंकर बीमारी है, उस बीमारी का लक्षण है कि आपको सिर में दर्द हो रहा है, बीमारी कुछ और होगी, जैसे वात बढ़ा हुआ हो सकता है, पित्त की गड़बड़ी हो सकती है, कफ की हो सकती है, तो बीमारी तो कुछ और है, लक्षण क्या है, सिर में दर्द हो रहा है। तो एलोपैथी की सारी दवाएं आपके सिर के दर्द को थोड़ी देर के लिए कम करेंगी, लेकिन जिस कारण से सिर दर्द हो रहा है वो कारण को ठीक नहीं करेंगे। जैसे वात बढ़ गया है तो वात कारण है, उसको ठीक करने के लिए दवा नहीं है एलोपैथी। पित्त बढ़ गया उसके कारण सिर दर्द है तो उसको ठीक करने की दवा नहीं, सिर दर्द को थोड़ी देर कम करें ऐसी दवाएं हैं एलोपैथी। तो आपकी बीमारी तो ट्रीटमेंट होगी ही नहीं। मैं आपको एक गहरी बात कहना चाहता हूँ, एलोपैथी के सारे डॉक्टर देश भर में ट्रीटमेंट नहीं करते, वो खाली प्रैक्टिस करते। प्रैक्टिस करना और ट्रीटमेंट करना ये दोनों अलग चीज है। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप बार बार बीमार पड़ते रहो, बार बार आते रहो, डॉक्टर आपको थोड़ी देर के आराम के लिए दवाएं खिलाता रहे और आप उसको जिंदगी भर खाते रहो, ये है प्रैक्टिस। और ट्रीटमेंट का मतलब है एक बार आप आए मेरे पास, मैंने आपको एक दवा दे दी और जिंदगी में दोबारा आपको वो बीमारी ने कभी भी परेशान नहीं किया, ये है ट्रीटमेंट। अंग्रेजी एलोपैथी में खाली प्रैक्टिस होती है, ट्रीटमेंट नहीं होता। और ट्रीटमेंट होता है तो वो आयुर्वेद में होता है। तो हम चाहते हैं कि भारत के हर व्यक्ति को ट्रीटमेंट मिले, हर व्यक्ति हमेशा के लिए अपनी बीमारियों से ठीक हो जाए, ये हम चाहते हैं। और इसी के लिए हमने ये भारत स्वाभिमान का आंदोलन शुरू किया है। अब आप बोलेंगे कि ये भारत के हर व्यक्ति को हमेशा के लिए उसकी बीमारियों से ठीक कराएं, इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है कि उसको प्राणायाम कराएं, योगासन कराएं और जरूरत पड़ने पर आयुर्वेद की दवाई खिलाएं, इसी से उसका ट्रीटमेंट होगा। और मुझे बड़ी खुशी है जो बताते हुए कि पिछले 10 वर्षों में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत के हजारों स्थानों पर शिविर लगा लगा के, प्राणायाम के 7-7 दिन के शिविर लगा के, 10-10 दिन के शिविर लगा के करोड़ों लोगों को ट्रीटमेंट दिया। और
और जिन्होंने ये ट्रीटमेंट लिया है वो हमेशा के लिए ठीक हुए और ऐसी गंभीर बीमारियों से ठीक हुए हैं जिनके ठीक होने की संभावना नहीं थी। लाखों ऐसे भारतवासी हैं, अब तो करोड़ से ऊपर हो गए हैं, जिन्होंने अपनी डायबिटीज को ठीक कर लिया प्राणायाम करके, आयुर्वेद की दवाएं खाकर। लाखों भारतवासियों ने अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया। लाखों माताओं ने अपना यूट्रस और ओवरी का जो गांठ होती है उसको गला लिया, ट्यूमर को ठीक कर लिया। लाखों माताएं ऐसी हैं जिन्होंने ब्रेस्ट का ट्यूमर ठीक कर लिया। ऐसे भारत में लाखों लोग हैं जिन्होंने दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस को ठीक कर लिया। तो अब हमें उत्साह मिल गया, क्योंकि जब लोग ठीक हो रहे हैं और उत्साह मिल रहा है तो हम सोच रहे हैं और ज़्यादा लोगों को सिखाएं। तो इसलिए अब हमारा लक्ष्य है कि हम गांव-गांव जाएं और हर गरीब आदमी को जो पैसे खर्च नहीं कर सकता उसको योग प्राणायाम सिखाएं, आयुर्वेद के बारे में बताएं और उससे वो अपनी हर बीमारी को ठीक करें। आज मैं भी आपको ऐसी ही कुछ बातें बताने आया कि आप भी अपने जीवन में योग प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से अपनी हर बीमारी को ठीक करें, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिसमें पैसे खर्च नहीं होते, जिसमें शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। दोनों महत्व की बात है। एलोपैथी दवाओं में पैसे भी खर्च होते हैं और शरीर को नुकसान भी बहुत होता है, क्योंकि आप जानते हैं एलोपैथी की दवाओं के बहुत सारे दुष्परिणाम। मैं आपको कुछ दवाओं के नाम बताता हूँ, कभी मत खाना उनको, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, नोवालजिन, एनालजिन, पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बेराइडन, बूटाजोल, ऑक्सीफिन बूटाजोल, क्विलोक्विनोल, डाइक्लोफेनेक, रेमिपेडियोन, निमोसुलाइड, निमोलाइड, ऐसे 84,000 दवाओं के नाम हैं, इनको कभी मत खाना। क्यों? इनके भयंकर नुकसान है शरीर। नुकसान क्या है? अगर आप ये सब दवाएं खाओगे जिनके नाम में गिना रहा था तो बहुत जल्दी गुर्दे खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो, लीवर खराब होगा, ब्रेन हैमरेज होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, हार्ट अटैक आएगा, लकवा मारेगा आपको, जलन होगी, एसिडिटी होगी, हाइपर एसिडिटी होगी, अल्सर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, इंटेस्टाइन में कैंसर हो सकता है। ये सब दवाएं बहुत नुकसान करती हैं। आपको एक बात बताऊं, ये जो एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन, एनालजिन जो मैं नाम सुना रहा हूँ, ये दवाएं भारत छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं बिकती। अमेरिका की सरकार ने इन दवाओं को 20 साल पहले बंद कर दिया और कनाडा में तो 50 साल पहले बंद कर दिया। ब्रिटेन में भी ये दवाएं बंद हैं, जर्मनी, फ्रांस में भी बंद हैं। वहां का कोई डॉक्टर अगर ये दवा लिख देना किसी मरीज को तो 14 साल की जेल में उसको डाल देते डॉक्टर, और डिग्री छीन लेते हैं उसको, और उसको कोई नहीं बचा पाता, उसकी जमानत नहीं होती। और भारत में क्या हो रहा है, सारे डॉक्टर्स यही दवाएं आपको खिला रहे हैं, सारे डॉक्टर्स। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, वो एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन, एनालजिन, पैरासीटामोल, यही दवाएं प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलता रहता हूँ और इनसे पूछता हूँ, भाई यही दवा क्यों लिखते हो? जो दवाएं अमेरिका में बंद हैं, कनाडा में बंद हैं, जर्मनी, फ्रांस में बंद हैं, सब देशों की सरकारों ने जिन दवाओं को बंद कर दिया, हमारे डॉक्टर इन दवाओं को क्यों लिख रहे हैं? तो इसका उत्तर पता है क्या है?
हमारे डॉक्टर्स को ये दवाएं लिखने में कमीशन मिलता और हमारे डॉक्टर भी अब कमीशन खोर हो गए। जैसे हमारे नेता है ना कमीशन खोर अधिकारी, अब डॉक्टर्स भी कमीशन खोर। भारत में 99% डॉक्टर अब कमीशन लेते हैं दवाएं लिखने के लिए। कमीशन कौन देता है? दवा बनाने वाली कंपनी। कंपनी को क्या इंटरेस्ट है कमीशन देने में? क्योंकि वो ऐसी दवा बेच रही है जिसको दुनिया में कोई नहीं खरीदेगा, तो भारत में उनको वो दवा बेचनी है। और हमारे भारत में दवा कोई भी व्यक्ति तब खरीदता है जब डॉक्टर उसको पर्चे पे लिख कर वो दे। तो हमारे डॉक्टर्स पर्चे पर ऐसी ही दवाएं लिखते हैं जिनको दुनिया में कोई नहीं खाता, और डॉक्टर्स को इन दवाओं को लिखने में 40% तक कमीशन मिलता है। इसका मतलब समझते हैं? आपने अगर 1000 रुपए की दवा डॉक्टर के पर्चे के आधार पर खरीदी तो उसमें से 400 रुपए डॉक्टर के पास जाएंगे। कैसे जाएंगे? दवा तो आप खरीदोगे केमिस्ट के यहाँ से। केमिस्ट वो जो पर्चा आपका है ना उसमें से डॉक्टर का पता, फोन नंबर वो सब नोट करेगा और 400 रुपए डॉक्टर के पास पहुँचा देगा। ये धंधा चल रहा है और ये बेईमानी सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहां आपकी जिंदगी का सवाल है। अब डॉक्टर को लालच कोई कंपनी दे दे कि देखो ये जहर दवा है और इसमें आपको 50% कमीशन है, तो डॉक्टर धुआंधार वही दवा लिखेगा भले आपकी उससे जान चली जाए। तो आजकल के जो डॉक्टर्स हैं ना वो भगवान नहीं है, देवता नहीं है, शैतान। और ये जो बेईमानी चल पड़ी है कि कंपनियों के कमीशन और उसके आधार पर दवाएं लिखने की, ये बेईमानी पर हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं पता चल रहा है कि डॉक्टर जितना बड़ा होता है बेईमानी उतनी बड़ी करता है, और डॉक्टर जितना छोटा होता है सीधा साधा बेईमानी उतनी कम करता है। बड़ा डॉक्टर बड़ी फीस, बड़ी बेईमानी, बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ी लूट, ये चल पड़ा है पूरे देश। और ये जो दवा का एक विचित्र प्राणी पैदा हुआ है इस देश में जिसका नाम है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या करता है? ये दिन भर डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाता है, कभी एक डॉक्टर के यहाँ, कभी दूसरे के यहाँ, कभी तीसरे के यहाँ, कभी चौथे के यहाँ। क्या करने जाता है? डॉक्टर को भ्रष्ट बनाने जाता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक ही काम है, डॉक्टर को भ्रष्ट बनाना। और वो कैसे करेगा भ्रष्टाचार? वो किसी भी डॉक्टर के पास जाके कहेगा देखो डॉक्टर हमारी कंपनी ने ये नई दवा बनाई है, तो डॉक्टर कहेगा मैं क्या करूं? तो कहेगा लिखो इस दवा को। क्यों? कहेगा इसमें कमीशन आपको 40% 50%। ये धंधा है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, और ये धंधा सूट बूट और टाई लगा के किया जाता है ताकि किसी को शक ना हो। ये जो ठगी और डकैती है ना ये अब बड़े लोगों के ही हिस्से में आ गई है। पहले तो हम ये सुना करते थे कि जो डकैत और ठग हैं वो चंबल की घाटी में रहते थे, माधो सिंह, मोहर सिंह, मलखान सिंह। अब पता चल रहा है कि सारे बड़े सफेद पोश लोग इसी ठगी डकैती में शामिल हैं। और ये जो ठगी और डकैती है ना इसको पढ़ाई कहते हैं, ये स्टडी है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को यही पढ़ाया जाता है कि कैसे ठगो और कैसे डकैती डालो। कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स तो ऐसे हैं जो डॉक्टर्स को क्या क्या लालच देते हैं। पैसे का तो लालच होता ही है,
और भी बड़े बड़े लालच होते हैं। क्या होता है, जैसे डॉक्टर के बच्चे हैं तो वो किसी बड़ी कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं तो उसकी फीस भरने का लालच देते हैं कि डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, आपके बच्चों की फीस हम भरेंगे, बस आप हमारी दवा लिखते हैं। कई डॉक्टर्स ऐसे बेईमान हैं कि उनकी गाड़ी वो कंपनियां देती हैं, फिर गाड़ी में डीजल पेट्रोल भी कंपनियां भरवाती हैं और डॉक्टर से कहती हैं बस आप दवा लिखते रहो, हम आपका डीजल भरेंगे पेट्रोल भरेंगे। कई डॉक्टर्स के मोबाइल फोन का बिल कंपनियां भरती हैं, कई डॉक्टर्स के घरों की बिजली पानी के बिल कंपनियां भरती हैं और कई डॉक्टर्स को हर साल बीवी बच्चों के साथ स्विट्जरलैंड की यात्रा का टिकट कंपनियां देती हैं। ये सब होता है और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम आपको होता है, क्योंकि आपको जो डॉक्टर दवा लिखेगा वो सबसे बकवास दवा होगी जो आप खाओ और ज्यादा बीमार हो जाओ और ज्यादा खाओ और बीमार हो। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप बीमारी से नहीं बेईमान डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, ये जो डॉक्टर कमीशन खोर हो गए ये बहुत खतरनाक है। और ये कमीशन बाजी पता है कहाँ कहाँ है, दवाओं में कमीशन है। आप जब जांच कराते हो ना, सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड एमआरआई, इसमें भी कमीशन। आप खून की जांच कराते हो, पेशाब की जांच, उसमें कमीशन। ऑपरेशन कराते हो उसमें तो सबसे ज्यादा कमीशन। तो आप ये कमीशनबाजी करने वाले जो डॉक्टर्स हैं इनसे बचो। और इनकी संख्या 99% है। आप पूछोगे इनका पता कैसे चलता है कि डॉक्टर कमीशन खोर बेईमान है, एक ही सिम्टम बताता हूँ पता चल जाएगा। कोई डॉक्टर के पास आप गए और वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस है क्या, समझ लेना महा बेईमान डॉक्टर। जो ये पूछे ना कि मेडिकल इंश्योरेंस है क्या आपका, समझना ये बहुत खतरनाक है। उसको नमस्ते कहके बाहर निकलना, क्योंकि वो पूछ इसलिए रहा है कि आपकी जेब पर कितनी बड़ी डकैती डाल सकता है, ऐसे पता चलता है। और कैसे पता चलता है, आपको कोई एक बीमारी है, मान लो हाई बीपी है। अब एक बीमारी की एक ही दवा होती है। देखो अर्थशास्त्र का जैसे सिद्धांत है वैसे ये चिकित्सा विज्ञान का भी सिद्धांत है। हर साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। चिकित्सा विज्ञान में एक सिद्धांत है कि एक बार में एक ही दवा खिलाना या एक बार में एक ही दवा बताना, ये चिकित्सा विज्ञान का सिद्धांत है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर एक बार में आपको चार दवाएं खिला रहा है, पांच खिला रहा है, दस खिला रहा है, समझ लो महाबेईमान। वो कहेगा चार गोली सुबह खाओ, चार दोपहर, चार शाम, चार रात, समझ लो महालूप खोर डॉक्टर। एक बीमारी में एक ही दवा काफी होती है और वही एक दवा ठीक करती है आपको, बाकी दवाएं तो वो अपने कमीशन के लिए लिखता है। तो बेईमान डॉक्टर से बचने का तरीका यही है, आप बचो। और माताओं बहनों को तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप डॉक्टर के चक्कर में सबसे कम फंसो, क्योंकि हमारी माताएं बहनें बहुत भोली भाली हैं, डॉक्टर इनको पहले फंसाता है। कैसे फंसाता है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक पति पत्नी डॉक्टर के पास गए बीपी चेक कराने, पति का थोड़ा बीपी हाई है तो डॉक्टर बीपी तो पति का चेक करेगा, बात पत्नी से करेगा। पता है कैसे करते, वो आप नहीं चाहती आपके पति ज्यादा दिन जिंदा रहे। अब कौन पत्नी बोलेगी कि मर जाए जल्दी, तो पत्नी कहेगी हाँ हाँ डॉक्टर साहब ये तो ज्यादा जिंदा रहे नहीं चाहिए। तो डॉक्टर कहेगा इनका ऑपरेशन करा दो जल्दी से, बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, कभी भी फट सकता। और ऐसे ऐसे वाक्य बोलेगा उनको कि ये ज्वालामुखी पे बैठे हुए हैं, अभी फट जाएगा, हॉस्पिटल से निकलते निकलते कुछ हो सकता है। अब बेचारी पत्नी घबरा जाती है कि क्या करूं, कि जल्दी भर्ती करो, मेरा ऑपरेशन थिएटर खाली पड़ा है अभी,
कल मैं जा रहा हूँ मद्रास, परसों चला जाऊंगा लंदन, महा झूठा, न मद्रास जाता है न लंदन, लेकिन बोलेगा मैं कल मद्रास जा रहा हूँ, परसों लंदन जा रहा हूँ, आज ही मेरा खाली है ऑपरेशन थिएटर, आप तैयार करो। फिर बेचारी पत्नी कहती पैसे तो लाई नहीं, तो कहेगा पैसे की चिंता क्या है, पहले पति को बचाओ। और डाल देगा ओटी में, गए थे बीपी चेक कराने और हृदय काट के निकलवा के भेजेगा, ऐसे हरामी डॉक्टर, जरूरत नहीं है ऑपरेशन की, फिर भी करेगा क्योंकि कमीशन। माताओं को बहुत फंसाते हैं डॉक्टर, आपके गर्भाशय को काट काट के जो निकालते रहते हैं, महा ठग और बदमाश डॉक्टर हैं जो गर्भाशय को काट देते हैं। क्या कहते हैं, गर्भाशय में गांठ हो गई, तो कौन सी बड़ी बात है, हो गई तो ठीक कर भाई इस गांठ को, दवा दे इसकी, गांठ गल जाए। अब गांठ गलाने की दवा नहीं उसके पास, समस्या ये है, तो वो क्या कहता है, पूरे गर्भाशय को काट के निकाल, ये कोई बात हुई, गर्भाशय कोई फोकट की फालतू की चीज है जिसको काट के निकाल। और हर बड़ा छोटा डॉक्टर जहां थोड़ी भी गर्भाशय में गांठ है उसको कटवा ही देता है, परिणाम बताएं क्या होता है, जो माताओं के गर्भाशय निकल जाते हैं वो सब फूलती चली जाती, मोटापा आएगा, वजन बढ़ेगा और कोई दुनिया की ताकत से उनका वजन कम नहीं कर सकता। और जब वजन बढ़ता जाएगा तो घुटनों में तकलीफ आएगी, क्योंकि भगवान ने ये घुटने बनाए थे 60-70 किलो वजन ढोने के लिए, और वजन हो गया 100 किलो 110 किलो तो ये घुटने घिस जाएंगे, और जब घुटने घिसेंगे तो ये हिप जॉइंट्स भी घिसेंगे, फिर वही बेईमान डॉक्टर कहेगा घुटने नहीं लगवा लो, नहीं रिप्लेस करना। देखो ठगी और डकैती कहाँ तक, पहले भाई ऑपरेशन क्यों किया तूने गर्भाशय काटने का, एक छोटी सी गांठ थी वो तो गल जाती, उसकी सैकड़ों दवाएं वो नहीं करता, ऐसे बेईमानी होती है। माताओं के साथ और एक बेईमानी होती है, बच्चे का जन्म होना है और वो नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है, फिर भी डॉक्टर ऑपरेशन करेगा क्योंकि उसको पैसे मिलने वाले, और बहाने 20 बनाएगा। सबसे बड़ा पेटेंट बहाना है डॉक्टर का, बच्चा उल्टा हो गया है जी। मैं आपको बताऊं, जो बच्चा उल्टा होता है वो सीधा भी हो जाता है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, लेकिन वो होने नहीं देगा, वो काटेगा, काट के निकालेगा। फिर कहेगा जो बच्चेदानी होती है ना उसमें पानी सूख गया, अब आपकी जान सूख जाएगी, जैसे ही वो कहेगा पानी सूख गया तो आपको भी हाँ कर दो ऑपरेशन। आपको मालूम है कितना अत्याचार होता है, हमारे चिकित्सा विज्ञान में कहा गया कि बच्चे को माँ के गर्भ में 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे रहना ही चाहिए, 9 महीने पूरा, फिर उसके ऊपर 9 दिन, फिर और ऊपर 9 घंटे, इतना समय बच्चे को माँ के गर्भ में रहना चाहिए, तब उसको बाहर आना चाहिए। लेकिन ये बेईमान और ठगी डकैती वाले डॉक्टर 8 महीने में ही बच्चे को काट के निकाल देते, कोई कोई तो इतने हरामी है 7 महीने में ही निकाल लेते हैं। परिणाम क्या होता है, ये अंत के जो 3 महीने होते हैं ना बच्चे के लिए, 6वां महीना 7वां 8वां, इसी 3 महीने में दिमाग बनता है, ब्रेन का विकास होता है। और जिस बच्चे को 7 महीने में निकाल लिया डॉक्टर ने उसका क्या होगा, सुनो, जिसको 8 महीने में निकाल लिया वो तो जिंदगी भर आधा पागल रहेगा, और वो जिंदगी भर आधा पागल रहेगा तो डॉक्टर की बल्ले बल्ले है, हर दिन आता रहेगा, डॉक्टर की दवाएं खाता रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा आप डॉक्टर से बचो, बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर्स खतरनाक, और खासकर जो रिश्वत खोर है, कमीशन खोर है, बेईमान है, वो खतरनाक है। और ऐसे 99% डॉक्टर, 1% डॉक्टर हैं जो थोड़े ईमानदार बचे हैं, लेकिन वो टॉर्च लेके ढूंढो तो नहीं मिलते आजकल। तब अंत में आप बोलोगे जी क्या करें, मैंने बताया बीमार मत पड़ो, सबसे अच्छा तरीका बीमार मत पड़ो,
स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हमारे भारत में एक सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् उपद्रवः। इसका मतलब है सब सुखी हों, क्यों? क्योंकि सब निरोगी, तो निरोगी हों तो सुखी हैं। और निरोगी होना और सुखी होना अगर आयुर्वेद में कहा गया है तो इसका रास्ता भी बताया गया, वरना ये बात कही नहीं जाती। जब आयुर्वेद ये कह रहा है कि सब सुखी हों, सब निरोगी हों, तो इसका रास्ता भी आयुर्वेद में बताया है, बस उस रास्ते पे चलो, बीमार मत पड़ो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि रास्ता क्या है ये बताओ। रास्ता बिल्कुल सीधा सच्चा है, आप बीमार ना पड़ो इसके लिए आयुर्वेद ने कहा है कुछ नियमों का पालन करो। जिंदगी में हर चीज नियम से चलती है। सूरज निकलता है, इसका कोई नियम है। रात होती है, इसका कोई नियम है। चंद्रमा उगता है, इसका कोई नियम है। हवा चलती है, इसका कोई नियम है। बारिश होती है, पानी गिरता है, इसका कोई नियम है। हर चीज प्रकृति में नियम से चलती है, तो आप भी नियम से चलो भाई, आप भी कायदे से चलो ना, भगवान के बनाए कायदे से चलो, ईश्वर के बनाए नियमों से चलो। तो आप बोलोगे हमको पता नहीं है, तो मैं बता देता हूं। वैसे तो ये सारे नियम आयुर्वेद में लिखे गए हैं, आयुर्वेद में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश, निघंटु, अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम, ऐसी सैकड़ों किताबें हैं, भरी पड़ी हैं ऐसे ही नियम से, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें। आयुर्वेद की किताबों को मैं 20 साल से पढ़ता रहता हूँ और 20 साल में मैंने 7000 नियम पढ़े हैं अब तक, जो ईश्वर ने बनाए और हमारे स्वस्थ रहने के लिए हैं। हम उनमें से 7000 का पालन ना कर पाए क्योंकि मुश्किल है, तो 7 का तो कर सकते हो, 7000 का नहीं कर सकते, 7 का ही कर लो तो भी जीवन आपका सुखी हो जाए। और वो 7 नियम मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनो। अब मेरे लेक्चर का सबसे गंभीर हिस्सा शुरू हो रहा है, अब तक मैं भूमिका बना रहा हूं, अब असली चीज शुरू हो रही है कि वो नियम क्या है जिनसे हम सुखी बने, हमें बीमारी ही ना आए, रोग ही ना आए, हमको कभी बीमार ना पड़े हम, वो क्या नियम। अगर आपके पास कागज पेन है तो लिख लें, क्योंकि ये नियम बताने कौन दोबारा आएगा मुझे नहीं मालूम, और ये बड़े ठीक है। और मेरा ये निवेदन है कि खुद लिख लेना, घर वालों को भी बता देना सबको। आयुर्वेद में 7000 नियम है, मैं उनमें से 7 बताता हूं, क्योंकि 7000 बताने के लिए समय बहुत चाहिए, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं, 7 तो बता सकता हूं, जल्दी हो जाएगा। पहला नियम, पहला नियम समझने के पहले एक बात समझ लो, लिखना 2 मिनट बाद पहले समझ। हमारा ये जो शरीर है ना, इसमें 3 दोष है, एक है वात, एक है पित्त और एक है कफ। भैया जरा मेरी गाड़ी में से गर्म पानी ला दे। हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात पित्त कफ। ये तो सुना है ना, वात पित्त कफ सुना है ना आपने, 3 शब्दों को तो सुना है, वात पित्त कफ, ये 3 दोष हैं। अब शरीर विज्ञान ये कहता है कि जब ये वात पित्त कफ में बिगाड़ हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, तो आदमी बीमार पड़ता है। और वात पित्त कफ अगर ठीक है, संतुलित है, तो कभी भी कोई आदमी बीमार नहीं पड़ता। तो आयुर्वेद में ये कहा गया कि हमेशा हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपना वात पित्त कफ संतुलित रखे।
हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपना वात पित्त और कफ ये तीनों ठीक रखे, संतुलित रखे। वात अगर बिगड़ता है तो उसके कारण 80 रोग आते हैं, 80 बीमारियां। ये जो घुटने का दर्द है, ये कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, हड्डियों के जोड़ों का दर्द है, सिर का दर्द है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, कार्डियक अरेस्ट है, ब्रेन हेमरेज है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, शुगर बढ़ना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, ये सब वात के बिगड़ने के रोग हैं और इनकी संख्या है 80। मैंने वात बिगड़ेगा तो 80 रोग आएंगे, ठीक है, और पित्त बिगड़ेगा तो 40 रोग आते हैं। पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, पेट की आंतों में सड़न होना, पेट की आंतों में कैंसर होना, ये पित्त बिगड़ने के 40 रोग हैं। ऐसे ही कफ है, कफ कफ बिगड़ता है तो 20 रोग आते हैं, 20। सबसे खराब रोग है कफ बिगड़ने का मोटापा, ये वजन बढ़ता है तो कफ बिगड़ने से, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, कफ बिगड़ने के रोग हैं। कई तरह के बुखार वो कफ बिगड़ने से होते हैं, माथा दर्द है ये कफ बिगड़ने का रोग है, माइग्रेन है ये, हेडेक है ये कफ बिगड़ने का रोग है, आंखों से दिखाई कम दे रहा है ये कफ बिगड़ने का रोग है, मोतियाबिंद हो गया, आंखों में काला पानी आ गया ये कफ बिगड़ने का रोग है, कान में तकलीफ है सुनाई नहीं देता ये कफ बिगड़ने का रोग है, गले की तकलीफ है ये कफ बिगड़, तो कफ बिगड़ेगा तो 20 रोग, पित्त बिगड़ेगा तो 40 और वात बिगड़ेगा तो 80, और तीनों बिगड़ गए तो जयराम जी की मर जाता, फिर कोई कुछ नहीं करता। तो वात पित्त कफ मत बिगड़ने दो, ये है मूल बात आयुर्वेद में। अब क्या करें जी इसके लिए वात पित्त कफ हमारा ना बिगड़े, तो 7 नियम बताता हूं, 4 मुख्य हैं और 3 जो है ना उसके सहयोगी हैं। एक तो नियम होता है, एक उपनियम होता है, एक क्लॉज होता है, एक सब क्लॉज होता है। तो मुख्य 4 नियम है। पहला नियम है खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना 1 घंटे तक, ये है मुख्य नियम। हम जब खाना खाते हैं ना तो पानी नहीं पीना है, तो खाने के बाद पानी नहीं पीना, ये पहला नियम है वात पित्त कफ को ठीक रखने के लिए। आप बोलेंगे जी क्यों नहीं पीना, कारण समझ लो, आप जो कुछ खाते हो ना वो सब पेट में इकट्ठा होता है, पेट में एक छोटा सा स्थान है उसको कहते हैं जठर, हिंदी में, संस्कृत में जठर कहते हैं, अंग्रेजी में एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, ये एक थैली जैसा स्थान होता है हमारी नाभि के बाईं तरफ होता है, इसमें सारा खाना इकट्ठा होता है, जो भी हम खाते हैं रोटी चावल दाल सब इसी में आता है। और इसमें क्या होता है, जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो इसमें आग जलती है, अग्नि, और उसको कहते हैं जठर अग्नि। सुना आपने जठराग्नि, जठराग्नि, जठराग्नि माने जठर अग्नि मिला के हो जाता है वो जठराग्नि। तो इसमें खाना इकट्ठा हुआ, अब खाने में पाचन होना है, खाने का पचना है, पचने के लिए अग्नि चाहिए। जैसे खाना बनाने के लिए रसोई में अग्नि चाहिए बने, वैसे ही खाना पचाने के लिए भी अग्नि चाहिए, तो वो अग्नि बनती है, पैदा होती है। अब वो अग्नि जब खाने को पचा रही होती है उसी समय आप घटाघट पानी पीते हैं और लोटे पे लोटा पीते हैं, और कुछ तो ऐसे महापुरुष हैं चिल्ड वाटर पीते हैं एकदम ठंडा पानी। क्या होगा आप ही बताओ, अग्नि जल रही है इसके ऊपर पानी गिराओगे तो क्या होगा, अग्नि बुझेगी। अब अग्नि अगर बुझ गई तो फिर खाना पचेगा नहीं, फिर वो खाना सड़ेगा। खाने की दो ही क्रियाएं हैं पेट में, या तो वो पचेगा नहीं तो सड़ेगा, अग्नि है तो पचेगा और अग्नि बुझ गई तो सड़ेगा, सड़ा हुआ खाना विष पैदा करेगा और उसी विष का नाम है कोलेस्ट्रॉल।
डॉक्टर कहते हैं ना कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, समझ लो खाना हजम नहीं हो रहा आपको। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक कारण है सबसे बड़ा, खाना हजम ना हो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। खाना जब हजम होता है तो खून बढ़ता है, और खाना जब हजम नहीं होता तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ये इतना खतरनाक शैतान है कि 103 बीमारियों के लिए अब आप तैयार हो, कभी भी आ सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि खाने को पचने दो, और खाने को पचने के लिए अग्नि को जय होगा भोजन ठीक से पचे, और भोजन ठीक से पचेगा तो रक्त बनेगा, रक्त बनेगा तो मांस बनेगा, मांस बनेगी तो मज्जा बनेगा, मज्जा बनेगी तो वीर बनेगा, शुक्र बनेगा, ये सब कुछ बनेगा। और अगर पचेगा ही नहीं तो सब कुछ कचरा में, कोलेस्ट्रॉल में बदल जाए। तो खाना हजम होना ये बहुत महत्व की बात, खाना खाना महत्व की बात नहीं है, उसको खाए हुए को हजम करना महत्व। तो समझ गए, खाने के बाद पानी ना पिए, कब तक? 1.5 घंटे, ठीक है? याद रहेगा, आज से ही शुरू करें इसका पालन। अब आप बोलोगे खाने के पहले पानी पी सकते हैं क्या? बाद में तो 1.5 घंटे तक, पहले पिए क्या? हाँ पी सकते हैं, लगभग 48 मिनट पहले पानी पी सकते हैं। 10 बजे अगर खाना खाना है ना तो 9:12 तक पेट भर के पानी पी सकते हैं, खाने के 48 मिनट पहले पानी पी सकते हैं, और बाद में लगभग 1 से 1.5 घंटे। बीच में कोई पूछता है बीच में पी सकते हैं क्या? बीच का नियम यह है कि अगर खाना गले में फंस गया, खांसी आ गई, छींक आ गई, खाना गले में फंस गया तो एक घूंट पानी पी लो बस, और ज्यादा नहीं, बीच में इतना ही पी सकते, ज्यादा नहीं। ज्यादा पानी पीना है खाने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद। समझ गए ना? नहीं आगे चले। कोई ये पूछता है कि पानी तो नहीं पी सकते, कुछ और चीज बता दो पीने की, पूछते हैं लोग, मन में आपके भी आ सकता है कि कोई और चीज पी सकते हैं क्या, पानी तो नहीं पिए। तो आयुर्वेद में कहा गया कि खाने के बाद लस्सी पी सकते हैं, दही की, खाने के बाद दूध पी सकते हैं, और खाने के बाद जूस पी सकते हैं, पानी नहीं पिए। जूस पी लो, लस्सी पी लो, लस्सी तो समझते हो मट्ठा छाछ वो पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, पानी नहीं। भैया जी जरा बंद करो, आंख में चुभेगा। जब आप सुबह खाना खाए ना तो जूस पी लिया करो, बहुत अच्छा है। खाने के बाद दोपहर को खाओ तो लस्सी पी लो, मट्ठा पी लो, शाम को खाओ तो दूध पी लो, पानी वही नियम है 1.5 घंटे पानी, ठीक है? आप ये पूछोगे कि जूस पी सकते हैं तो पानी क्यों नहीं? जूस में तो पानी है, लस्सी में भी पानी है, दूध तो पानी है, तो ये क्या नियम है आयुर्वेद का? एक तरफ आयुर्वेद कह रहा पानी मत पियो, दूसरी तरफ कहा जूस पी लो। तो देखो ये उत्तर आपको मिलेगा। भारत में एक बहुत पुरानी कोई फिल्म है, उसका एक गाना है, मुझे फिल्म का नाम मिल गया, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ क्या है उस जैसे। तो ये जो पानी है ना, ये अगर किसी चीज में मिल गया तो ये अपने सारे गुण छोड़ देता है, फिर जिस चीज में इसको मिला दिया उसके गुण ले लेता है। पानी अकेला है तो उसके अपने गुण हैं, पानी के अपने गुण हैं, पानी रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, शीतल है, शामक है, ये पानी के गुण हैं। लेकिन पानी को दूध में मिला दो तो पानी के गुण खत्म हो जाते हैं, दूध वाले गुण उसमें आ जाते हैं। पानी को दही में मिला दो तो दही के गुण पानी में आ जाते हैं, और किसी फल के रस में मिला दो तो फल वाले गुण पानी में आ जाते हैं। तो पानी अकेला नहीं पीना है, जूस पी सकते हैं क्योंकि उसमें फल के गुण हैं, दूध पी सकते हैं क्योंकि उसमें दूध के गुण हैं, दही
क्योंकि उसमें दही के गुण, आप समझ गए। तो खाने के बाद सुबह जूस पी लो, दोपहर को लस्सी पी लो, शाम को दूध पी लो, और जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना। सुबह जूस ही पीना, दूध मत पीना, और शाम को जूस मत पीना, दूध ही पीना। क्या चक्कर है ये? हमारे शरीर में हम कोई भी चीज खाएं और पिए उसका समय निर्धारित है आयुर्वेद में। फल खाने का समय है सवेरे, क्यों? क्योंकि सुबह वो सारे एंजाइम्स पेट में बनते हैं जो फलों को पचाते हैं। दही खाने का समय है दोपहर को, क्योंकि दही को पचाने वाले सारे एंजाइम्स पेट में दोपहर को बनते हैं, और दूध को पचाने वाले सारे एंजाइम्स पेट में शाम को ही बनते हैं। इसलिए दूध शाम को पीना, दही दोपहर को खाना, और जूस सवेरे को। ठीक है, नियम हो गया ये पहला नियम। अब दूसरा नियम, दूसरा नियम आयुर्वेद का ये है कि पानी जब भी पीना, खाने के तो डेढ़ घंटे बाद ही पीना, पहले पिएंगे तो 48 मिनट पहले पिएंगे। पानी जब भी पीना है तो उसको ऐसे पीना जैसे चाय पीते, कॉफी पीते, गर्म दूध पीते, सिप सिप करके पीते। एक घूट पानी पिया, थोड़ी देर रखा, फिर एक घूट पिया, फिर रखा, फिर एक घूट पिया, फिर रखा, फिर एक घूट, एक एक घूट पानी पीना। ऐसे नहीं कि मुंह में गिलास लगाया, बेटा गर्ट उतार दिया, लोटे पर लोटा उतार दिया, इन पानी पीने का तरीका नहीं। घूट घूट के आप बोलोगे क्यों, कारण बताते हैं। ये जो हमारा मुंह है ना, इसमें हर समय लार बनती है, ये तो आप जानते हैं। और लार जो बनती है ना, ये पेट में अंदर जाने के लिए बनती है। ये जो मुंह की लार है, ये क्षारीय होती है, एल्केलाइन, और हर समय पेट में अम्ल बनता है ऐसे। तो मुंह की लार जब बार बार पेट में जाती है तो पेट का अम्ल शांत होता रहता है, और जिनके पेट का अम्ल शांत होता है उनकी जिंदगी में वात पित्त कफ तीनों शांत होते हैं। तो मुंह में लार कब बनती है? हर एक मिनट में 0.5 मिलीग्राम लार बन जाती है हर एक मिनट में, 0.5 मिलीग्राम लार बन जाती है। तो आयुर्वेद कहता है कि हर एक मिनट में ये लार अंदर जानी चाहिए। तो पानी का एक घूंट पियोगे एक मिनट में तो लार चली गई, फिर दूसरे मिनट में पियोगे फिर चली गई। तो ये सब लार पेट में जाएगी तो अम्ल पेट का ठीक रहेगा, तो कभी भी जिंदगी में आप बीमार नहीं पड़ोगे। पानी को घूंट घूंट के, ठीक है। ये दूसरा नियम मैंने कैसे किया आपने देखा ना, मैंने एक ही सिप पानी पिया था अभी थोड़ी देर पहले, अभी ऐसे ही पीता हूँ, बस इतना ही पानी पीना चाहिए एक बार, थोड़ी देर फिर इंतजार करो फिर पियो। आगे चले, तीसरा नियम, सवेरे जब सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पीना। सुबह जैसे ही नींद खुले तो नींद खुलते ही पानी पियो। कुल्ला मत करो, दातुन मत करो, मुंह मत धो, उठते ही पानी पियो। क्यों? रात भर आप सो गए तो मुंह की लार सब जमा है मुंह में, यही तो होगा ना, सोए हैं तो लार तो मुंह में जमा है, इधर उधर, उठते ही पानी पी लिया तो सब लार पेट में चली गई। और सवेरे पेट खाली होता है तो सबसे ज्यादा अम्ल सवेरे ही बनता है पेट में, खाली पेट एसिड बनता है ना, सुना है बुजुर्गों के मुंह से, खाली पेट मत रहो नहीं तो तेजाब बनेगा, अम्ल बनेगा। तो सवेरे पेट खाली है तो सबसे ज्यादा तेजाब बनेगा, अम्ल बनेगा, और ये लार में ही ताकत है जो उस अम्ल को शांत करे। तो उठते ही पानी पी लो ताकि सब लार अंदर ही जाए। तो इसलिए नियम बनाया सुबह उठते ही पानी पीना, ठीक है। कितना? कम से कम 3 गिलास, प्यास ना लगे तो भी। नियम बनाया है आयुर्वेद में तो कोशिश करो पालन करने की।
अब आप बोलोगे तीन गिलास की तो प्यास नहीं है, तो पहले एक गिलास पियो, फिर डेढ़ पियो, फिर दो करो, फिर ढाई करो, फिर तीन करो, बढ़ाते जाओ। इसके दो फायदे हैं, लार तो अंदर चली गई, और जो पानी पी लोगे तीन गिलास तो ये सारे गिलास का पानी पेट को साफ करेगा, और जैसे ही तीन गिलास पानी पियोगे तो पानी पेट को साफ करेगा, बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत की सफाई करेगा, तो तुरंत आपको फिर टॉयलेट जाएंगे तो एक दो मिनट में ही सारा मल निकल जाएगा और पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। सवेरे जिनका पेट एक बार साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कोई रोग नहीं आता, इसलिए उठते ही पानी, ठीक है। और चौथा और आखिरी नियम, मुख्य नियम, कि जिंदगी में कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी नहीं पीना, बर्फ का पानी, फ्रिज का पानी ये नहीं पीना, कितनी भी गर्मी लगे लगने दो, ठंडा पानी मत पीना। क्यों? क्योंकि ये जो ठंडा पानी है वो हमारे स्वभाव के विपरीत है, हमारा शरीर है गर्म और पानी है ठंडा। अब गर्म शरीर में ठंडा पानी आपने डाला तो झगड़ा होगा, या तो शरीर पानी को गर्म करेगा, नहीं तो पानी शरीर को ठंडा कर देगा। सोचो, गर्म पेट में ठंडा पानी पी लिया आपने, तो पेट या तो पानी को गर्म करे, नहीं तो पानी पेट को ठंडा कर देगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा हो जाएगा, हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होगा, मस्तिष्क ठंडा होते ही आप ठंडे हो जाएंगे, और आपके ठंडे होते ही राम नाम सत्य शुरू हो जाएगा। ठंडा होने का मतलब समझते हैं, मरना आया हो, आपके ठंडे शरीर को घर में भी नहीं रहने देंगे, बाहर सड़क पर रख देंगे, और फिर चिल्लाएंगे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कहां मरघट में ले जाओ। तो जब संडे शरीर की इतनी इज्जत नहीं है तो क्यों ठंडा पानी पी रहा हूं, मत पियो। और अब ये ठीक बात है वो समझाता कि जब आप बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं ना, तो पेट को ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं, तो पेट उस पानी को गर्म करता है, और पानी गर्म करने के लिए खून की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गर्मी तो खाली खून में है शरीर में, और कौन सी चीज गर्म है। तो आप ठंडा पानी पियोगे, सारे शरीर का गर्म खून पेट में आएगा पानी को गर्म करने को, और खून की जरूरत शरीर को है, लेकिन वो आ गया पानी गर्म करने के लिए, तो सभी अंगों को खून की कमी पड़ेगी। जैसे दिमाग का खून है वो पेट में आ गया तो दिमाग में खून कम हो गया, हृदय का खून पेट में आ गया हृदय में खून कम हो गया, पैरों का खून पेट में आया पैरों में खून कम हो गया, और शरीर के किसी भी अंग को तीन मिनट अगर खून ना मिले तो वो अंग हमेशा के लिए खराब हो जाए। तो ठंडा पानी पीने का बहुत बड़ा खतरा है, मत पीने। और एक बात बताता हूँ, विज्ञान की जानकारी सरल शब्दों में, जब हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना तो पेट में पता है क्या होता है, एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत, बड़ी आंत ऐसे होती है खुले हुए पाइप की तरह से, जब आप ठंडा पानी पी लेते हो तो ये तुरंत बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि बड़ी आंत का सारा खून पेट में आ जाता है पानी गर्म करने के लिए, तो खून की कमी हुई तो ये सिकुड़ जाती है, ये बंद हो जाती है। और दिन में 10 बार आपने ठंडा पानी पिया, ये 10 बार बंद हुई, फिर लगातार एक महीने तक पिया, एक साल तक पिया, तो एक दिन ये परमानेंट बंद हो जाएगी, और ये बंद हो गई तो फिर टट्टी नहीं निकलेगी, मल नहीं निकलेगा, क्योंकि बड़ी आंत से ही मल निकलता है। तो फिर आपको कब्जियत हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा, और कब्जियत हो गई तो सैकड़ों बीमारियां आएंगी। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, हंसना मत उसमें, हंसी तो आएगी लेकिन रोक लेना। हाँ,
मैं जब विदेश प्रवास में, ये कैमरा बंद कर दो भाई थोड़ी देर के, और मेरी तरह अगर कर लो, मैं हमेशा गर्म पानी पीता हूँ, आप भी ऐसी आदत डाल लो, तब तो जिंदगी आपकी कभी भी तकलीफ में आएगी ही नहीं। हर समय गर्म पानी पी, गर्म कितना, जितना गर्म शरीर है, शरीर हमारा गर्म है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही गर्म पानी पीते रहो हर दिन हर रात, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात हर समय, तो जिंदगी में कभी पेट खराब होगा नहीं, और जिनका पेट खराब नहीं होता उनको कुछ खराबी नहीं आती जी। तो ये चार मुख्य नियम मैंने बताए, पहला खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना, दूसरा पानी घूट घूट पीना, तीसरा सवेरे उठते ही 3 गिलास पानी पीना, चौथा ठंडा पानी नहीं पीना। अब मैं आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बताता हूं, मनुष्य को छोड़कर ब्रह्मांड के सारे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इन नियमों का पालन करते हैं, मनुष्य को छोड़कर। किसी भी पक्षी को आप देखो, वो खाने के हमेशा 2-2.5 घंटे बाद ही पानी पीता है। कोई पशु को देखो, वो खाने के हमेशा 2-2.5-3 घंटे बाद ही पानी पीता है। गाय बैल भैंस बकरी बकरा कुत्ता गधा घोड़ा बिल्ली शेर चीता, ये सब खाना खाते समय कभी पानी नहीं पीते, पिला के देख लो कभी। मेरे घर में तो गाय है, तो गाय को मैं खाना खिलाता हूँ सुबह सुबह, और पानी की बाल्टी भर के रख देता हूँ, वो देखती भी नहीं है पानी को। पहले चारा खाती है, 2-2.5 घंटे चुप होके बैठ जाती है, जुगाली करती है, फिर पानी पीती है। भैंस भी यही करती है, बैल भी यही करता है, कुत्ता भी यही करता है, सारे जानवर खाने के 1.5-2 घंटे बाद ही पानी पीते हैं, ठीक है, देखना। तो आप भी करो ये नियम का पालन, और सभी जानवर और पक्षी पानी को घूट घूट ही पीते हैं, सिप सिप करके पीते हैं। चिड़िया को देखो, एक बूंद पानी का उठाएगी चोंच में और ऐसे ऐसे चलाएगी, फिर पिएगी, फिर दूसरी बूंद उठाएगी, फिर चलाएगी, फिर तीसरी बूंद, फिर चलाएगी, ऐसे ही पानी पीती है चिड़िया। कुत्ते को देखो, चाट चाट के पानी पीता है। शेर को देखो, सब पानी को घूट घूट पीते हैं, क्योंकि वो सब ईश्वर के बनाए नियमों का पालन करते हैं, और चूंकि ये पक्षी और पशु इन नियमों का पालन करते हैं, इसलिए आज तक किसी पक्षी को मैंने ओवरवेट नहीं देखा, किसी पक्षी की तौल बाहर नहीं निकलती। निकलती है क्या? नहीं। क्यों? पानी घूट घूट पीते हैं। आप भी पियोगे, आप भी कभी वजन नहीं बढ़ेगा आपका, तुम बाहर नहीं निकले। तो पशु पक्षी जैसे रहते हैं वैसे रहे, नियम पालन। और आप दो बातों को और गहराई से देखो, सारे पशु पक्षियों के 2 कैटेगरी हैं, एक पशु पक्षी है जो मांसाहारी है और एक है शाकाहारी। जो शाकाहारी पशु पक्षी है वो पानी को घूट घूट कर पीते हैं, और जो मांसाहारी पशु पक्षी हैं वो पानी को चाट चाट कर पीते हैं, जैसे कुत्ता है पानी को चाट के पीता है, मांसाहारी शेर पानी को चाट के पीता है, चीता पानी को चाट के पीता है, बिल्ली मांसाहारी है पानी को चाट के पीते हैं। तो जो मांसाहारी प्राणी हैं वो पानी को चाट के पीते हैं, और जो शाकाहारी हैं वो सब घूट घूट कर पीते हैं, ठीक है। अब आप तय करो कि आप शाकाहारी हो कि मांसाहारी। अगर आप शाकाहारी हो तो पानी को घूट घूट के ही पीना पड़ेगा, और जो गलती से आप शाकाहारी हो गए हो तो चाट के पानी पीने की आदत डालो, जैसे कुत्ता पानी पीता है ना वैसे पानी पियो। मांसाहारी हो ना तो कुत्ते की तरह से पानी पीने की आदत डाल लो, बहुत अच्छा। और नहीं पी सकते चाट के पानी तो मांसाहारी मत रहो, शाकाहारी हो जाओ। अब कई लोग हैं मुझे ये कहते हैं कि जी मांस खाने से ताकत आती है, ये सबसे बड़ा झूठ है, इससे बड़ा झूठ पूरी दुनिया में नहीं है, मांस खाने से ताकत है।
अगर मांस खाने वाले ताकतवर होते तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे देश का एक बहुत बड़ा पहलवान है, उसका नाम है सुशील कुमार। नाम सुना? एशियाड में उसने गोल्ड मेडल लिया था कुश्ती, और उसके पहले वो विश्व चैंपियन हुआ था कुश्ती में। ये मालूम, दुनिया के सारे मजबूत पहलवानों को पटक के मारा उसने, सुशील कुमार। रूस में चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड चैंपियन फ्री स्टाइल कुश्ती की, उसमें सुशील कुमार ने सबको पटक के मारा, दुनिया के बड़े बड़े चैंपियन को हरा दिया और वो विश्व चैंपियन बन गया। क्यों? वो शाकाहारी है और उसकी ताकत है। जब उसको पूछा गया कि तुमने दुनिया के सबसे बड़े पहलवान को कैसे पटक दिया, तो उसने कहा मैं शाकाहारी हूँ, वो मांसाहारी है, उसमें ताकत नहीं है, मैंने पटक दिया उसको 3 मिनट। तो ये गलत फहमी है कि मांस खाने से ताकत आती है। मांस खाने से मांस बढ़ता है, और मांस बढ़ने से ताकत नहीं बढ़ती, मांस बढ़ने से मेद बढ़ता है, फैट, और फैट बढ़ोगे तो थुल-थुल हो जाओगे, कोई भी पटक के मार देगा, दम ही नहीं रहेगा। इसलिए ये मांस खाना बंद कर दो, शाकाहारी रहो, क्योंकि जीभ छोटी है आपकी, भगवान ने आपकी जीभ सोच समझ के बनाई है। छोटी जीभ उन्हीं की बनाई जाती है जो शाकाहारी है। आप शाकाहारी ही रहो, मांस मत खाओ, अंडा भी मत खाओ, सब कुछ अपने पास है खाने के लिए। प्रोटीन की जरूरत है, दाल खाओ, फैट्स चाहिए तो दूध पियो, दही खाओ, घी खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो ये चावल खाओ, गेहूं खाओ, रोटी खाओ, मक्के की, बाजरे की, विटामिन चाहिए तो फल खाओ, मिनरल्स चाहिए तो फल खाओ, कमी क्या आपके पास। ये मांस तो दुनिया में वो खाते हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं। यूरोप के देशों में मैंने देखा लोग मांस खाते हैं क्योंकि उनके देश में कुछ पैदा ही नहीं होता। अरब देशों में मांस खाते हैं क्योंकि खेत में कुछ पैदावार ही नहीं, तो उनकी मजबूरी है, मांस खाते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी चीजें पैदा होती हैं खेतों में, एक एक गाँव में 200-200 चीजें पैदा होती हैं, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, तुअर की दाल, खेसारी की दाल, मोठ की दाल, कितने तरह की तो दालें हैं, कितने तरह की सब्जियां हैं, कितने तरह के अनाज हैं, कमी है कुछ खाने के लिए। तो मांस मत खाओ, शाकाहारी रहो। और ये भी नियम है आयुर्वेद का, ये 5वां नियम, 4 पहले बता दिए, ये 5वां, कि कभी भी मांसाहारी खाना मत खाओ। ज्यादा समय जिंदा रहना है, स्वस्थ रहना है, तो शाकाहारी बनो। और 6वां नियम है मद्यपान, व्यसन मत करो, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मावा, तंबाकू, ये सब बंद करो, क्योंकि ये व्यसन करने वाली सारी चीजें उम्र को कम करती है। एक सिगरेट मालूम है कितना जिंदगी खत्म कर देती है आपकी? 3 मिनट की लाइफ कम हो जाती है एक सिगरेट की। जिंदगी में अगर 10,000 सिगरेट आपने पी ली तो 30,000 मिनट की जिंदगी खत्म हो गई, कुछ साल कम हो जाएंगे। शराब और ज्यादा जिंदगी कम कर देती है। तो ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब बंद कर, ये 6वां नियम है आयुर्वेद। अब कोई ये पूछे कि हम क्या करें शराब छोड़ने को, बीड़ी सिगरेट छोड़ने को, इसके लिए प्राणायाम करो सबसे अच्छा है, और अदरक का सेवन करो। अदरक, अदरक को चूस कर खाते रहो हर समय, दिन भर। जिनको बीड़ी पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, शराब पीते हैं या कोई व्यसन करते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, तो अदरक का टुकड़ा मुंह में रख के दिन भर चूसते रहो। इससे सारी बुरी आदतें छूट जाती, शराब की, बीड़ी की, सिगरेट की, गुटखे की, तंबाकू की, सब छूटे। और प्राणायाम करो, ठीक है। और एक आखिरी नियम 7वां, वो ये है कि आप अपने घर में जो तेल इस्तेमाल करते हो, तेल ये शुद्ध हो, और जो घी इस्तेमाल करते हो, घी वो शुद्ध हो, और जो भोजन हम करें वो भी शुद्ध हो। तेल, घी और भोजन शुद्ध हो। अब तेल शुद्ध होने का मतलब समझते हैं, तेल शुद्ध होने का मतलब है कोल्हू से निकाला हुआ तेल खाओ, ये है मतलब।
कोलू आप समझते नहीं समझते क्या कहते हैं उसको, तेल निकालने वाली वो मशीन, गाणी, गाणी, यस, ये गाणी का निकला तेल था वो शुद्ध है क्योंकि उसमें कुछ भी मिलावट नहीं, बाकी बाजार के सारे तेलों में मिलावट है, ध्यान रखना इसको। बाजार में एक भी तेल ऐसा नहीं जिसमें मिलावट नहीं, हर तेल में मिलावट, बड़ी कंपनी का हो या छोटी, शुद्ध तेल कोई नहीं बेचता, हर एक तेल को मिला के बेचा जाता है। और बाजार के तेलों में सबसे बड़ी मिलावट है वो तेल होता है पामोलिन तेल, उसको मिलाते हैं बाजार, और ये पामोलिन तेल कभी हजम नहीं होता शरीर को, इसलिए बाजार के तेल मत खरीदो, घाणी का तेल खरीदो, सरसों का तेल खाओ, घाणी का खाओ, सरसों लेके जाओ अपना तेल निकलवा के लाओ वो खाओ। आप कहोगे ये शुद्ध तेल बहुत गाढ़ा होता है, वही अच्छा है क्योंकि तेल का जो गाढ़ापन है वो उसकी चिकनाई है और इसी चिकनाई में सारे प्रोटीन होते हैं। तेल की चिकनाई में फैट नहीं होता, तेल की चिकनाई में प्रोटीन्स है, ये कंफ्यूजन मत करना कभी, फैट गड़बड़ है प्रोटीन गड़बड़ नहीं, तो तेल में तो प्रोटीन है फैट नहीं है, इसलिए शुद्ध तेल खाते हैं, ठीक है। और घी शुद्ध खाओ, शुद्ध घी का मतलब है गाय का घी खाओ या भैंस का खाओ, भैंस का घी वो खाएं जो मेहनत करते हैं, शरीर से जिनके पसीना निकलता है, और जो मेहनत कम करते हैं वो गाय का घी खाएं, घी शुद्ध खाना है। इसका माने डालडा मत खाओ, डालडा अशुद्ध है, इसको घर से निकालो, माताएं घर में डालडा ना लाएं कभी भी। आप बोलेंगे पूड़ी बनानी है कचौड़ी बनानी है, तेल में बना लो, डालडा से अच्छा, डालडा तो कभी किसी को हजम ही नहीं होता, तेल की पूड़ी खा लो वो ज्यादा अच्छी है, तेल की कचौड़ी खा लो वो ज्यादा अच्छी है, डालडा की मत खाना। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपके घर में कोई समारोह हो रहा है, जैसे बेटे की शादी या बेटी की शादी जिसमें आप दावत दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, तो डालडा का मत करना, क्योंकि हमारे भारत में अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, और उसको घर बुला के डालडा की पूड़ी खिलाओगे मारोगे उसको। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता, दूसरी तरफ जहर खिला रहे हैं उसको, तो घर के शादी ब्याह में डालडा की पूड़ी कचौड़ी मत बनवा, तो किसकी बनवाए, तेल की बनवा लो, क्या मुश्किल है, अच्छी बनती है। आपको सरसों की तेल की पूड़ी बनाने की विधि बताता हूँ, ये जो सरसों का तेल है ना इसको गरम करो, इसमें थोड़ी अजवाइन डाल के इसको गरम करो, और ये गरम करके तैयार हुआ अब इसमें पूड़ी वूड़ी बना लो, बहुत अच्छी बनती, नहीं तो तिल के तेल में पूड़ी बनाओ बहुत अच्छी बनती है, तिल के तेल में कचौड़ी बनाओ बहुत अच्छी बनती है, डालडा बंद करो। तो शुद्ध तेल हो गया, शुद्ध घी हो गया, ठीक है। और शुद्ध भोजन, भोजन शुद्ध का मतलब ऐसी कोई चीज भोजन में मत खाओ जो जहर, शुद्ध भोजन का ये मतलब। तो आप बोलोगे जी हमें तो पता ही नहीं हम क्या जहर खाते हैं, सबसे बड़ा जहर आप जो खाते हो ना भोजन में वो है चीनी, शुगर। हम जो चीनी खाते हैं ना कैसे भी खाएं, चाय में चीनी खाएं, दूध में खाएं, दही में खाएं, चीनी की मिठाई खाएं, चीनी का हलवा खाएं, ये चीनी सबसे बड़ा जहर है जो रोज खा रहे हो आप। जानते हैं चीनी के जहर को, उसका नाम है चीनी में जो है वो सल्फर है, सल्फर बहुत खराब जहर है, सल्फर को हिंदी में गंधक कहते हैं, और ये गंधक वही जहर है जो दिवाली पर चलने वाले पटाखों में मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है। हम दिवाली पर पटाखे चलाते हैं ना उसमें गंधक ही भरा हुआ है, और वही गंधक चीनी में है, और वो चीनी आप खा रहे हो, तो समझ लो दिवाली के पटाखों का मसाला खा रहे हो, चीनी मत खाओ, ये सबसे बड़ा जहर है। और चीनी पता है शरीर में जाता है, हजम नहीं होती चीनी, कभी हजम नहीं होती, सारी चीनी कोलेस्ट्रॉल में बदलती, कभी भी हजम नहीं होती, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा तो मोटापा आ जाएगा, खून बाहर निकल आएगी, बीसियों बीमारियां आएंगी आप। चीनी हटा दो, फिर क्या खाएं, गुड़ खाओ, गुड़,
गुड़ जो है ना चीनी से हजार गुना अच्छा। आप खाना खाओ और खाने के पीछे थोड़ा सा गुड़ खा लो, इतना सा बस। तो जितना खाना आपने खाया वो पूरा खाना आपको मुश्किल से चार घंटे में हजम हो जाएगा। वैसे आप सादा खाना खाओ बिना गुड़ का तो उसको हजम होने में 6 घंटे लगते, लेकिन गुड़ खा लिया तो खाना 4 घंटे में ही हजम हो जाता है, क्योंकि गुड़ में वो सारे पोषक तत्व हैं जो भोजन को हजम करने में मदद करते हैं, और चीनी में वो जहर है जो हजम ही नहीं होने देता भोजन को। देखो गुड़ में क्या क्या है, गुड़ में कैल्शियम है, गुड़ में फॉस्फोरस है, गुड़ में आयरन है, गुड़ में मैग्नीशियम है, गुड़ में मैग्नीज है, गुड़ में ये सारे पोषक तत्व हैं जिनसे शरीर बनता है। शरीर की हड्डियाँ बनती हैं कैल्शियम फॉस्फोरस से, शरीर का मांस बनता है कैल्शियम फॉस्फोरस से, शरीर का खून बनता है कैल्शियम फॉस्फोरस आयरन से, शरीर के खून में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम ये सब गुड़ में हैं। तो गुड़ बहुत अच्छा है, गुड़ खाया करो, चीनी बंद करो, ठीक है। चाय में गुड़ पियो, मानी गुड़ की चाय पियो, दूध गुड़ से पियो, दही गुड़ का खाओ, पानी गुड़ का पियो, हलवा बनाना है गुड़ का बनाओ, लड्डू बनाने हैं गुड़ के बनाओ, मिठाई बनानी है गुड़ की बनाओ। और आपके यहाँ तो अच्छा गुड़ मिलता है ना, एक तो गुड़ सबसे अच्छा होता है जिसको खजूर गुड़ कहते हैं, दूसरा गुड़ सबसे अच्छा होता है जिसको ताड़ी गुड़ कहते हैं, ताड़ के पेड़ से रस निकल के जो गुड़ बनता है बहुत अच्छा, और तीसरा गुड़ वो अच्छा है जो गन्ने के रस से बनता है। और मैंने देखा छत्तीसगढ़ में ये तीनों गुड़ मिल जाते हैं, खजूर वाला भी मिलता है, ताड़ी वाला भी मिलता है, गन्ने वाला, यही खाओ, ठीक है। तो ये 7 नियम मैंने बताए, इनका पालन मैं खुद कर रहा हूँ 20 साल से, इन्हीं 7 नियम का, और एक भी दिन पिछले 20 साल में मैं बीमार नहीं था। आप मेरा बीपी चेक कर लो नॉर्मल है, मेरी शुगर चेक कर लो नॉर्मल है, मेरे ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है, मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वजन लगभग नॉर्मल है, 1.5-2 किलो ज़्यादा है बस, ज़्यादा नहीं है बहुत। नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है, हर दिन मैं 250-300 किलोमीटर यात्रा करता हूँ, और हर साल में 1,00,000 किलोमीटर यात्रा करता हूँ। कभी भी पीठ दर्द नहीं होता, पैर दर्द नहीं होता, सिर दर्द नहीं होता, एक दिन भी आज तक मैंने नागा नहीं किया कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं भाषण नहीं दूंगा, खराब ही नहीं होती तब, क्यों? ये 7 नियम का पालन करता हूँ जो आपको बताए, आप भी करो। परम पूजनीय स्वामी जी भी इन्हीं 7 नियम का पालन करते हैं, आपको मालूम, मैं उनके बहुत नज़दीक रहता हूँ पिछले 1.5-2 साल से, जहाँ वो रहते हैं वहीं मैं रहता हूँ, और मैं देखता रहता हूँ, वो बराबर ये 7 नियम का ध्यान रखते हैं, कभी भी ठंडा पानी नहीं पीते, पानी घूट घूट पीते हैं, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीते हैं, खाने के 1.5 घंटे बाद पीते हैं, और ये छोटे छोटे दूसरे नियम, तेल शुद्ध खाते हैं, घी शुद्ध खाते हैं, आप भी कर लो भाई, तो आप भी स्वस्थ हो जाओगे, बीमारी खत्म। और बीमारी ना आए यही होशियारी है, बीमारी आए और आप इलाज करें ये तो मूर्खता है, होशियारी तो ये है कि बीमारी ना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हों सब निरोगी हों, तो मैंने आपको निरोगी होने का रास्ता बता दिया। करेंगे? कौन कौन करेगा, हाथ तो उठाओ, बहुत अच्छा। अच्छा मेरा एक छोटा सा आपको निवेदन है कि जो कुछ मैंने बताया वो आप सबको बताना, क्योंकि यहाँ तो सब लोग नहीं आ पाए, और सबको ये नियम की जरूरत है, क्योंकि बीमारियां बहुत हैं इस देश में, 120 करोड़ के देश में 100 करोड़ लोग बीमार हैं, और ये छोटी छोटी गलतियों से बीमार हैं, तो अगर ये लोग अपने को सुधार लेंगे तो बीमारियां कम हो जाएंगी। अब एक छोटी सी आखिरी बात और बताता हूँ कि इतना तो मैंने बताया कि बीमारी आए नहीं उसके लिए क्या करें,
अब कभी खुदा ने खासकर गलती से बीमारी आ जाए तो क्या करें? हम नियम पालन कर रहे हैं, फिर भी कई बार हो सकता है बीमारी आ जाए, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज हमारे घर में बहुत बीमार है और नियम पालन करते करते उसको ठीक होने में समय लगेगा, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपके घर में आयुर्वेद की दवाएं हैं, उनका उपयोग करो। अब जल्दी जल्दी कुछ दवाएं लिख लो, मैं बीमारियों की कुछ दवाएं बताता हूँ। अपने घर में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं और बिल्कुल मुफ्त की दवाएं हैं। गंभीर बीमारियों के लिए बहुत अच्छी दवाएं घर में ही हैं, बाजार जाके कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। शुरू करें, हाई ब्लड प्रेशर से शुरू करता हूँ। हाई बीपी, भारत में हाई बीपी और लो बीपी 20 करोड़ लोगों को है। इसमें क्या दवा है अपने घर में? सबसे अच्छी दवा दालचीनी। दालचीनी को सुखाकर पत्थर में पीस के पाउडर बना लो और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गर्म पानी के साथ खा लो। ये हाई बीपी को बिल्कुल ठीक कर दे, डेढ़ दो महीने में ही ठीक कर दे, ठीक है? और अगर ये दालचीनी को शहद मिला के खाओ तो और अच्छा। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच शहद। दूसरी दवा है हाई बीपी के लिए अपने घर में, मेथी दाना। एक बार जो भी दवा बताऊंगा वो एक ही बार खानी है, सवेरे खाली पेट। आधा चम्मच मेथी दाना रात को एक गिलास गर्म पानी में डाल लो, सवेरे उठ के उस पानी को पी लो। मैंने बताया ना सुबह उठ के ही पानी पीना, तो जिनको हाई बीपी है वो मेथी दाने का पानी पिए सुबह उठ के, और वो मेथी है ना उसको चबा के खा ले। तो ये भी हाई बीपी को बहुत जल्दी ठीक करेगा, डेढ़ दो महीने। तीसरी दवा है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल आप जानते हैं, अर्जुन का पेड़ होता है, उस पर से छाल उतरती है। उसको धूप में सुखा के पत्थर में पीस के पाउडर बना लो। आधा चम्मच अर्जुन छाल पाउडर गर्म पानी के साथ सवेरे लेना खाली पेट, डेढ़ दो महीने में ये भी हाई बीपी ठीक करता है। चौथी दवा है लौकी का रस। एक कप लौकी का रस रोज पियो सवेरे खाली पेट, ये हाई बीपी ठीक करता है। और लौकी के रस में थोड़ा धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी पत्ता डाल लो। 5-6 पत्ता धनिया, 5-6 पत्ता पुदीना, 5-6 पत्ता तुलसी और थोड़ी काली मिर्च डाल देना पीस के। इसको पियो रोज, इससे हाई बीपी भी ठीक होता है और हृदय की सब बीमारी ठीक होती है। अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज निकलेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ठीक होगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं तो ठीक हो जाएंगे। और एक दवा बताता हूँ हाई बीपी की, बेल पत्र के पत्ते। बेल पत्र के 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के चटनी बना लो। इस चटनी को एक गिलास पानी में इतना उबालो कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको घूट घूट भर के पी लो, जैसे मैंने तरीका बताया। ये हाई बीपी को बहुत जल्दी ठीक करता है। और एक आखिरी दवा अपने घर में है गाय मूत्र। देशी गाय का आधा कप मूत्र पियो सुबह खाली पेट, इससे भी हाई बीपी ठीक होता है। आगे चले लो बीपी। लो बीपी की सबसे अच्छी दवा है गुड़ खाओ पानी में घोल के। एक गिलास पानी ले लो, थोड़ा गुड़ ले लो, घोल दे लो पानी में, गुड़ घोल दो, फिर इसमें नमक मिला लो, नींबू का रस डाल लो और इसको पी लो दिन में 2 बार सुबह शाम, ये लो बीपी ठीक करे। लो बीपी की और एक अच्छी दवा है अनार का रस पियो नमक डाल के। एक कप अनार का रस और चुटकी भर नमक, ये भी लो बीपी को ठीक करे। और एक अच्छी दवा है अंगूर का रस पियो नमक डाल के। एक कप अंगूर का रस, चुटकी भर नमक, ये भी लो बीपी ठीक करे। और एक अच्छी दवा है लो बीपी की, दूध में घी मिला के पियो। गाय का दूध तो गाय का घी, भैंस का दूध तो भैंस का घी, रोज पियो रात को सोते समय। एक गिलास दूध, एक चम्मच घी, लो बीपी को ठीक करे। और एक बहुत बढ़िया दवा, मक्खन को मिश्री मिला के खाओ।
ताजा मक्खन निकालो मिश्री मिला के खाओ, ये लो बीपी को सबसे जल्दी ठीक करता है। आगे चले हाई बीपी लो बीपी, अब डायबिटीज की दवा लिखो। डायबिटीज अगर है, शुगर की बीमारी है, तो चार दवाएं मिलाकर घर में तैयार करो डायबिटीज की दवा। एक तो है 100 ग्राम ले लो मेथी का दाना, पत्थर में पीस के बनाओ इसका पाउडर। 100 ग्राम ले लो तेज पत्ता, इसको भी पत्थर में पीस के बना लो पाउडर। 150 ग्राम ले लो जामुन का बीज, जामुन की गुठली, इसको सुखाकर पत्थर में पीस के इसका पाउडर बनाओ। और 250 ग्राम ले लो बेल पत्र के पत्ते, इसको सुखा के इसको पीस के पाउडर बनाओ। तो 250 ग्राम बेल पत्र पत्ते का पाउडर, 150 ग्राम जामुन की गुठली का पाउडर, 100 ग्राम मेथी दाने को पीसा हुआ पाउडर और 100 ग्राम तेज पत्ते को पीसा हुआ पाउडर, ये चारों को आपस में मिला दो। बस यही दवा है डायबिटीज की। और इसको एक चम्मच खाओ सुबह गर्म पानी के साथ, एक चम्मच खाओ शाम को। और हर बार खाना है खाना खाने से एक घंटे पहले, सुबह नाश्ते से एक घंटे पहले, शाम को भोजन से एक घंटे पहले। ये 1.5-2 महीने में शुगर को ठीक कर दे, बहुत अच्छी है। जो इंसुलिन ले रहे हैं ना, वो इंसुलिन बंद कर सकते हैं इस दवा को लेकर, इंसुलिन बंद हो जाए। और एक छोटा सा सुझाव है कि ये जो ब्लड प्रेशर की दवा है और ये जो शुगर की दवा है, ये दोनों दवाओं को लेते हुए थोड़ा प्राणायाम करो। हाई बीपी है तो भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे, ये तीनों प्राणायाम करो हाई बीपी के लिए। और यही तीनों प्राणायाम करो शुगर के लिए, डायबिटीज के। 5 मिनट भस्त्रिका, आधा घंटे अनुलोम विलोम, आधा घंटे कपालभाति, तो और जल्दी आपकी बीमारी ठीक होगी। दवा खाते हैं ना तो 2.5-3 महीना लगता है, और प्राणायाम के साथ दवा खाओ तो 1 महीने में ही ठीक हो जाए। बीपी भी ठीक होता है, शुगर भी ठीक होता है। आगे चलें, और कुछ दवाएं बताता हूँ। जैसे छाती के रोग हैं, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, इसकी दवा अपने घर में दो हैं। एक तो दालचीनी और शहद, आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच शहद मिला के गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट दिन में एक बार ये लेना है। दूसरी दवा है गोमूत्र, आधा कप गोमूत्र पी, तो या तो गोमूत्र पी लो या दालचीनी शहद ले लो, 3 महीने में दमा अस्थमा ठीक कर देता है और टीबी भी ठीक हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत अच्छी दवा है। पेट की कुछ बीमारियों की बात करूं, जैसे पेट में दस्त हो जाए, डायरिया, डिसेंट्री, इसकी सबसे अच्छी दवा है आधा चम्मच जीरा चबा चबा कर खाओ, कच्चा जीरा मुंह में डाल दो, चबा के खा लो, पीछे से पानी पी लो, ये एक खुराक में ही दस्त ठीक करता है। दूसरी एक अच्छी दवा है, कच्चा दूध ले लो बिना गर्म किया हुआ, उसमें नींबू निचोड़ के जल्दी से पी लो। दूध में नींबू निचोड़ेंगे दूध फटेगा, फटने से पहले पीना है उसको, आधा कप दूध आधा नींबू, और एक खुराक ही लेना, उतने में ही दस्त ठीक होता। कब्जियत हो जाए, बहुत पेट खराब हो, कब्जी है, साफ ही नहीं होता पेट, तो इसकी दवा है अजवाइन ले लो, गुड़ में मिला के खाओ उसे। आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच गुड़, दोनों मिला के चबा के खाओ रात को सोते समय, पीछे से गर्म पानी पियो, सुबह उठते ही पेट साफ हो जाए। और एक दवा है त्रिफला चूर्ण, त्रिफला आप जानते हैं हर बहिला आंवले से बनता है, 1 चम्मच रात को त्रिफला चूर्ण खा लो गर्म पानी से, तो भी ठीक हो जाएगा कब्जियत। फिर पेट की और एक खराब 2-3 बीमारियां बताता हूँ, बवासीर, पाइल्स, हेमरॉइड्स, फिशुला, फिशर, भगंदर, इनकी दवा है सबकी मूली का रस पियो, हर दिन 1 कप मूली का रस पियो खाना खाने के 1 घंटे बाद, सवेरे पीना ज़्यादा अच्छा हो। तो ये बवासीर ठीक करता है, भगंदर ठीक करता है, फिशुला फिशक ठीक करते हैं। दूसरी दवा है अंगूर का रस पियो, काला अंगूर आता है उसका 1 कप रस रोज पी लो, ये भी बवासीर को ठीक कर देता है, बवासीर भगंदर मोड़ देता। घुटनों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, इसकी दवा है मेथी, हल्दी, सौंठ,
हल्दी मेथी सौंठ तीनों को बराबर मात्रा में पीस लो और इसका पाउडर बना के एक चम्मच लेना है सुबह खाली पेट, तो घुटने का दर्द और कमर का दर्द ठीक होगा, जोड़ों का दर्द ठीक। और एक अच्छी दवा है, अपने घर के आसपास एक पेड़ होता है जिसको हार सिंगार कहते हैं, कई लोग परिजात कहते हैं उसको। ये पेड़ में सफ़ेद छोटे फूल आते हैं, खुशबू बहुत होती है और फूल की जो डंडी है वो नारंगी रंग की लाल रंग की होती है। ये पेड़ के 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के चटनी बना लो। चटनी बना के 1 गिलास पानी में इतना गर्म करो कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पी लो, तो 20 साल पुराना ये घुटने का दर्द ठीक कर दो। जो लोग लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं ना, उन सबको बता दो आप, हार सिंगार के 5 पत्ते पत्थर में पीस के चटनी से जल्दी ठीक कर दो। हार सिंगार के बुखार में क्या करना है, ये पत्ते पीसो, चटनी बना के पानी में उबाल दो, फिर उसको पी लो तो बुखार ठीक होता है। और खराब बुखार ठीक होता है, चिकनगुनिया का बुखार, वायरल फीवर, इंसेफ्लाइटिस जिसको ब्रेन मलेरिया का बुखार कहते हैं, डेंगू फीवर, ये सब ठीक हो जाता है हार सिंगार के पत्ते। बुखार की और एक अच्छी दवा है अपने घर में, तुलसी पत्ता 15-20 ले लो, पत्थर में पीसो और 3-4 काली मिर्च ले लो, पत्थर में पीसो और दोनों को पीस के चटनी बन गई, अब इसको पानी में उबाल दो और वो पानी को पी लो, तो इससे भी बुखार ठीक हो। और एक अच्छी दवा है, नीम के पेड़ पर एक बेल आती है जिसको गिलोय कहते हैं, कई लोग गुरुच कहते हैं, अमृता कहते हैं, वो थोड़ी सी काटो बेल और उसको पत्थर में कूट के पानी में उबाल लो, फिर उस पानी को पी लो, तो खतरनाक बुखार जो किसी दवा से नहीं उतरेगा वो इससे उतर जाएगा। बहुत अच्छी दवा। जब बुखार में कई बार ऐसा होता है ना, खून में WBC कम हो जाते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो सबसे अच्छी यही दवा, नीम के पेड़ की गिलोय, गुड़ची जो मैंने बताई। खांसी हो जाए आपको तो खांसी की कुछ दवाएं बताता हूँ। सबसे अच्छी दवा हल्दी, गर्म दूध में हल्दी पियो, खांसी ठीक होगी। और दूसरी दवा है अदरक, अदरक को मुंह में चूसते रहो, खांसी ठीक कर देगा। काली मिर्च मुंह में डाल के चूसो, खांसी ठीक हो जाएगी। अदरक का रस निकालो, पान का रस निकालो, दोनों को 1-1 चम्मच मिला के शहद मिला के पियो, तो ये खराब खांसी को ठीक करता है। खराब खांसी माने खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ जाए, उस खांसी को ये ठीक करता है। अदरक का रस, पान का रस और शहद तीनों बराबर मात्रा में मिला के हल्का गर्म करके। और एक दवा है, अनार के रस को गर्म करके पी लो तो सब खांसी ठीक कर दे। अमरूद है ना, अमरूद, इसको गर्म करके खा लो। अमरूद को आग पे भूनो और भुना हुआ अमरूद खा लो, 1 ही मिनट में खांसी बंद करता है। कितनी तेज खांसी आ रही। सिर में दर्द है, सिर दर्द की बहुत अच्छी दवा है, गाय का घी हल्का गर्म करके नाक में 1-1 बूंद डाल के सो जाओ, सिर दर्द ठीक होता है। जिनको रात में नींद नहीं आती वो गाय का घी नाक में डाल के सोए, नींद अच्छी आई। जिनको नाक से खून निकलता है अक्सर, नक्सी, वो गाय का घी नाक में डालें, नाक ठीक हो जाए। कई लोग रात को सोते समय नाक से आवाज निकालते हैं, अद्भुत संगीत निकलता है कई लोगों की नाक से, तो वो तो मस्त सोते हैं, उनके पड़ोसी परेशान होते हैं। इसकी सबसे अच्छी दवा है गाय का घी, हल्का गर्म करो, नाक में डालो, सो जाओ, नाक से आवाज आना बिल्कुल बंद हो। नाक में कई बार हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, पॉलिप, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। साइनस नाम की एक बीमारी है, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। इस्नोफीलिया बीमारी की सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। गाय का घी बहुत अद्भुत है, जब किसी को पैरालिसिस हो जाए, लकवा मार गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो खून में क्या होता है, ब्रेन में कहीं खून जमा हो जाता है थक्का, उसको निकालने की ताकत गाय के घी में, 1-1 बूंद हल्का गर्म करके नाक में डाल के सोते हैं, बहुत अद्भुत है। हमारे घर में सब दवाएं हैं, एक भी ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज है।
कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, इसकी अपने घर में हम दवा कर सकते हैं। आधा कप गाय मूत्र और सर्पगंधा के दो पत्ते, सर्पगंधा एक आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेद की दुकान पर मिलती है, उसके दो पत्ते पत्थर पर पीस के आधा कप गोमूत्र में गर्म करके पिलाओ तो गले का कैंसर, आहार नली कैंसर, पेट का कैंसर, रेक्टम कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर सब में बहुत लाभ है। और ये सब दवाओं में ध्यान रखना, प्राणायाम कराते रहना, तीन प्राणायाम सबको करना, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे, जल्दी ठीक होगा, हर बीमारी जल्दी ठीक होगा। और एक अद्भुत दवा बताता हूँ, चूना है ना ये पान में जो खाते, ये बहुत अच्छी दवा है खून बढ़ाने के लिए। जिनके शरीर में खून की कमी है सबको चूना खिला, गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज खिलाओ, या तो पान में खिलाओ, नहीं तो दही में, आधा कप दही में चूना घोल के पिलाओ, नहीं तो दाल में चूना डाल दो। और सबसे अच्छा होता है कि चूने को अनार के रस में मिला के पिला दो, 1 कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना, जिसने भी पी लिया सभी के शरीर में खून बढ़ जाता है। गर्भवती माताओं को जरूर पिलाना है, यहाँ जितनी माताएं बहनें हैं वो इसको याद रखें, जो भी हमारे घर में गर्भवती कोई माँ है बहन है उसको आप 1 कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज पिलाएं। तो इसका फायदा पता है क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा होगा कि बच्चे के जन्म के समय माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी और पूरी डिलीवरी नॉर्मल होगी, ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। दूसरा फायदा है, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, हेल्दी होगा। तीसरा, वो बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा अपने जीवन। और चौथा, वो बहुत ब्रेन से इंटेलिजेंट होगा। ये चूना जिस माँ ने खा लिया 9 महीने गर्भावस्था में, वो सभी माताओं के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं। देखो क्या अद्भुत चीज है, चूना तो सबसे सस्ता मिल जाता है पान की दुकान, इसको आप हमेशा याद रखो। और यही चूना जो है ना, नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी के शरीर में नपुंसकता की बीमारी है उसको कहो चूना खाए, गन्ने के रस में मिलाकर, 1 गिलास गन्ने का रस गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज खाए। तो पुरुष के वीर्य में अगर शुक्राणु नहीं है तो वो भरपूर बनेंगे, और माताओं के शरीर में अगर अंडाणु नहीं है तो वो भी बनेंगे। ये जो चूना है ये बहुत अच्छी दवा है जॉन्डिस के लिए। जॉन्डिस आप समझते हैं, पी लिया गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में पिलाते रहो, पी लिया बिल्कुल ठीक हो। और यही चूना बहुत अच्छी दवा है उन सब बच्चों के लिए जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती। सब बच्चों को चूना खिलाओगे लंबे हो जाएंगे, 2-3 साल ही खिलाना लेते गेहूं के दाने के बराबर दही में डाले। जिन बच्चों की बुद्धि कम है, मती मंद बच्चे हैं, उनको चूना खिलाओ, बुद्धि अच्छी होगी, 2-3 साल लगातार। ये घुटने के दर्द में चूना खाओ, दर्द कम होगा। रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ है चूना खाओ। रीढ़ की हड्डी में आप जानते हैं L1-L2 जो इलाका है लंबर रीजन, वहाँ कई बार गैप हो जाता है, मनके बढ़ जाते हैं, तो सबसे अच्छी दवा चूना। स्पॉन्डिलाइटिस किसी को हो जाए तो चूने से अच्छी कोई दवा नहीं, गेहूं के दाने के बराबर चूना खिलाते रहो, ठीक कर दे। अगर मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाओ, बहुत अच्छा। माताएं याद रखें, जब उम्र आपकी 50 वर्ष के आसपास हो जाए और आपका मासिक चक्र बंद हो जाए तो आप चूना जरूर खाएं। छोटी पुस्तक है और उसमें हजारों दवाओं के बारे में, मैंने तो थोड़ी सी दवाएं बताई 20-25। आप अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो 1000 से ज्यादा दवाओं का वर्णन उसमें है। यही चूना है, मेथी है, हल्दी है, जीरा है, दालचीनी है, यही दवाएं, इलायची है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग है, अद्भुत है ये सब दवा। तो इनको आप जान के उपयोग करो। और एक बात कहता हूँ कि रात को टेलीविजन में एक कार्यक्रम आता है आस्था चैनल पर, उसका नाम है आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन, 9 बजे आता है रात को,
ये जरूर देखो, इसमें हर दिन कोई ना कोई नई जड़ी बूटी के बारे में हम बताते हैं। परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी इसको प्रस्तुत करते हैं, अद्भुत कार्यक्रम, इससे बहुत ज्ञान बढ़ेगा। और ये जो जड़ी बूटी रहस्य है, इसको घर में जरूर रख लो, कभी भी काम आएगी, कोई भी गंभीर बीमारी में आपको ये दवा काम आएगी। और मैं चलते चलते एक छोटी सी बात कहता हूँ कि आपके जीवन में कभी कोई गंभीर बीमारी अगर आ जाए और आपके सामने धर्म संकट हो, लाखों रुपए खर्च होने वाले हों, किसी की जान की बात आ गई हो तो जान चली जाएगी, ऐसी स्थिति में आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर लिख लो, मैं कुछ ना कुछ आपकी मदद करूँगा। क्योंकि हमारा पूरे देश में एक ही लक्ष्य है, हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना, इसी के लिए हम सारे देश में घूमते रहते हैं। मेरा फोन नंबर है 098-373-427-11, 098-373-427-11, 09837342711। ये नंबर मैंने आपको इसलिए दिया है कि जब बहुत कोई गंभीर स्थिति हो तब आप फोन करें, छोटी मोटी बीमारियों में तो आप खुद कर लेना, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, आप खुद कर लेना। जब बहुत गंभीर स्थिति है, आपसे नहीं समझ पा रही है, डॉक्टर भी कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तब आप फोन करना। और इसलिए कि मैं जो है ना, ये फोन बहुत बिजी रहता है, सवेरे से शाम 6 घंटे तो ये बंद रहता है, क्योंकि हर दिन मेरे 6 घंटे लेक्चर चलते, तो ये बंद रहता है, इस समय बंद है। अब सवेरे 8 से 11 तक ये खुला रहता है, रात को 8 से 11 तक खुला रहता है, लेकिन उस समय इतने कॉल रहते हैं कि जल्दी फ़ोन लगना मुश्किल है। तो आप तभी इस्तेमाल करना है इस फ़ोन का जब बहुत ज़रूरी, और नहीं तो सबसे अच्छा है SMS करना। आप SMS करोगे, मैं पढ़ लूँगा और मुझे लगेगा कि बहुत इमरजेंसी है तो मैं खुद ही आपको फ़ोन करके जवाब दे दूँगा। लेकिन ये नंबर मैंने आपको दिया है बहुत इमरजेंसी के लिए, इसको आप हर समय इस्तेमाल मत करो। और एक छोटी सी बात कहता हूँ, परम पूजनीय स्वामी जी यहाँ आने वाले, उनका कार्यक्रम होगा जनवरी में 29 तारीख को, 28-29 को वो आपके क्षेत्र में रहेंगे, जनवरी में उनका बहुत बड़ा शिविर होगा। और परम पूजनीय स्वामी जी के साथ बड़े अच्छे अच्छे वैद्य आएंगे, हमारे पतंजलि योगपीठ के बहुत वैद्य आएंगे उनके साथ, और वो दिन भर सबको निशुल्क चिकित्सा देंगे, तो आप वो मौका मत खोना। परम पूजनीय स्वामी जी का सवेरे शिविर होगा, दोपहर को भी होगा, उसमें वो योग सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे, आयुर्वेद के बारे में बताएंगे, तो वो भी सीखना। और उनके साथ जो चिकित्सा देने वाले वैद्य आएंगे, बड़े विशेषज्ञ वैद्य आते हैं, जब भी स्वामी जी आते हैं उनके साथ, तो उनसे आप अपनी छोटी मोटी से लेके गंभीर बीमारियों को भी पूछ लेना। वो दिन भर बैठेंगे आपके यहाँ और निःशुल्क चिकित्सा देंगे, वो कोई फीस नहीं लेंगे, वो कोई पैसा नहीं लेंगे, तो आप ये मौका मत छोड़ना। और सबको बता देना कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये निःशुल्क है, हर गरीब आदमी के लिए, हर अमीर आदमी के लिए ये खुला हो। अब मैं एक छोटी सी आखिरी बात और कहना चाहता हूँ कि ये तो हमारा काम है कि हम सबको स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाएं। हमने और एक बड़ा अभियान शुरू किया हुआ है कि भारत का भ्रष्टाचार मिटाएं, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है देश में, आप सब देख रहे हैं, हर दिन नए नए घोटाले हो रहे हैं और हर दिन देश का लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि नहीं तो छत्तीसगढ़ की सारी सड़कों पर 10 मिलीमीटर मोटाई का सोने का परत बिछा सकते, इतना बड़ा घोटाला कर दिया। इसके पहले घोटाला कर दिया कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, 77,000 करोड़, बहुत बड़ा है वो। अब 1,76,000 करोड़ का संचार मंत्रालय का घोटाला, 77,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ खेल का, दोनों मिलाकर 2,50,000 करोड़ के ऊपर के घोटाले। फिर उसके बाद एक आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का घोटाला। ऐसे भारत में पिछले 64 साल में कुल जो घोटाले हुए हैं ना,
उनमें 340 लाख करोड़ रुपए देश का बर्बाद हो गया, और ये पैसा आपका है, मेरा है, आपने टैक्स दिया, मैंने टैक्स दिया। अब ये पैसा बर्बाद कैसे हुआ? ये घोटाले जो होते हैं, इनमें जो पैसा लूटा जाता है वो विदेशी बैंकों में जमा हो जाता है। भारत के भ्रष्ट नेता और अधिकारियों के विदेशी बैंकों में खाते खुले हुए। स्विस बैंकों में भारत के भ्रष्ट नेताओं ने 280 लाख करोड़ रुपए जमा कर रखा है, और स्विस बैंकों के अलावा दूसरे बैंकों में करीब 60 लाख करोड़ जमा कर रखा। कुल मिलाकर 340 लाख करोड़ विदेशी बैंकों में जमा है। हमने ये संकल्प लिया है भारत स्वाभिमान के आंदोलन के तहत कि ये जितना पैसा विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है नेताओं ने, इस पैसे को वापस भारत में लाना है, और इसी से भारत का गरीबी और बेरोजगारी। आपके मन में सवाल आएगा, क्या ये वापस आ सकता है पैसा? हाँ, ये आ सकता है। इसके तीन रास्ते। पहला रास्ता है कि अगर हम भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल करें, जनहित याचिका, और उसमें सुप्रीम कोर्ट से हम ये मांग करें कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे धन की जांच करे, 340 लाख करोड़, और इसको राष्ट्र की संपत्ति घोषित करे, तो ये काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ताकत है, उसकी पावर है, और एक बार सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर चुका। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब यूरिया घोटाला हुआ था, उसमें जितना पैसा देश के बाहर चला गया वो सब सुप्रीम कोर्ट ने वापस मंगा लिया, और जिसने घोटाला किया था उसको जेल में डाल दिया। आपको मालूम है वो घोटाला किसने किया था? नरसिम्हा राव के बेटे, बाप प्रधानमंत्री, बेटा लूट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम इस बात की प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने घोटाले का एक एक पैसा वापस मंगा लिया स्विस बैंक से। अब हमारा ये कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ गया तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स का भी आ सकता है, एनरॉन घोटाले का आ सकता है, ए राजा घोटाले का आ सकता है, कॉमनवेल्थ घोटाले का आ सकता है। इसी उम्मीद में हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल कर दिया है, और हमारे मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है भारत के एक मशहूर वकील, उनका नाम है राम जेठमलानी। और अच्छी बात यह हुई है कि ये मुकदमा स्वीकार हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है और ये कहा है कि साल भर के अंदर सरकार बताए कि विदेशी बैंकों में किसका कितना पैसा है। अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही करनी पड़ रही है, और दुनिया के 70 देशों में सरकार ने अधिकारी भेज दिए हैं। वो अधिकारियों ने अभी थोड़े दिन पहले कोर्ट को बताया कि हमने 34 देशों में पैसे का पता कर लिया है, 36 देशों में और हम पता करके आपको बता देंगे, तो साल भर में शायद ये मामला पूरा हो जाए, और तब हम सुप्रीम कोर्ट को अपील करेंगे कि इस पूरे पैसे को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ये देश का पैसा है, राष्ट्र का पैसा। और जैसे ही ये पैसा राष्ट्रीय संपत्ति बनेगा तो सारी बैंकों से ये वापस आ जाएगा देश में। दूसरा एक रास्ता है, संसद के माध्यम से ये काम हम कराएं। हमने ये संकल्प लिया है कि किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अगर पेंडिंग हो गया, कई बार होता है सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस 25-25 साल पेंडिंग हो जाते हैं, तो मान लो ये भी हुआ तो हम क्या करेंगे? तब हम संसद में एक विधेयक पेश करेंगे, बिल, और उसके लिए हमने कुछ MPs को तैयार कर लिया, और वो बिल संसद में इस बात के लिए होगा कि विदेशी बैंकों में जो 340 लाख करोड़ पड़ा है ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। इस विधेयक को दो सांसद प्रस्तुत करेंगे, बाकी सब इस पर बहस करेंगे। अब बहस के समय हम देखेंगे कि कौन कौन सांसद इसका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेंगे पक्की बात है कि बिल मान गई है, पैसे होंगे। अब संसद में दो ही काम होंगे, या तो सांसद विरोध करेंगे तो बिल गिरेगा, और सांसद विरोध नहीं करेंगे तो बिल पास होगा। बिल पास हुआ तो कानून बन जाएगा, पैसे आ जाएंगे, और अगर बिल गिर गया तो
तो हमारा संकल्प है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा 4 साल बाद, तो भारत के 400 संसदीय क्षेत्रों से हम 400 नए सांसदों को चुनकर लाएंगे और उनकी मदद से फिर बिल पास करेंगे। हमारा संकल्प इतना बड़ा है। आप बोलोगे 400 सांसद आसानी से चुन पाएंगे क्या हम लोग? हाँ, आसानी से। कैसे? परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इसका संकल्प लिया और उनके साथ 70 और भी बड़े संत और सन्यासियों ने इसको समर्थन दिया। भारत के 70 संत हैं, परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी, परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती, शंकराचार्य कांचीपुरम, परम पूजनीय मुरारी बापू, परम पूजनीय सुधांशु महाराज, परम पूजनीय डॉक्टर प्रणव पंड्या, ऐसे 70 संतों ने तय कर लिया है कि 2014 में अगर लोकसभा के चुनाव में जरूरत पड़ेगी तो ये सब संत पूरे देश में जाएंगे और ये चुनकर लाएंगे 400 संत। मैंने अभी ये किया कि ये सब संतों के भक्तों की संख्या पूरे देश में कितनी है वो मैंने जोड़ा, तो इनके कुल भक्त इतने हैं कि वो इकट्ठे होके वोट डाल देंगे तो 514 सांसद जीत जाएंगे, तो ये काम तो हो जाएगा। और ये काम होगा तो कानून बना के पैसे ले आएंगे और ये पैसे भविष्य में दोबारा बाहर ना जाएं, भविष्य में कोई ऐसा घोटाला ना हो और कोई दुनिया की बैंक भारत के लूटे हुए पैसे को जमा ना करे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ एक संधि करेंगे। ऐसी संधि कई देशों ने कर रखी, हम भी करें, और वो संधि अगर हम कर पाए तो फिर संयुक्त राष्ट्र की ये जिम्मेदारी होगी कि हमारे घोटालेबाज नेताओं के खाते जहां भी मिले उनको वो जब्त करवाएंगे और उनको पकड़ पकड़ के हमारे हवाले करते जाए। आपको मालूम है एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस होती है जिसका नाम है इंटरपोल। भारत में अगर कोई ऐसा अपराधी जो यहाँ से अपराध करके भाग गया दुनिया के किसी भी देश में, इंटरपोल वाले पकड़ के हमारे हवाले करते हैं, क्योंकि हमारी उनके साथ संधि है। ऐसी ही एक संधि करनी है ब्लैक मनी के लिए। हमारे जो भ्रष्ट नेता खाते खोलेंगे दुनिया के देशों में, ये पकड़ पाएंगे उनको। तो जब अपनी सरकार होगी, अपने सांसद होंगे, तो ये संधि भी हो जाएगी, तो भविष्य में कोई पैसा यहाँ से नहीं जाएगा। और आगे की योजना है कि ये जो 340 लाख करोड़ वापस आएगा, इसमें से 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे गांव-गांव में उद्योग लगाने के लिए, और 10 लाख करोड़ रुपए में हर गांव में 100 उद्योग लग जाएंगे, हर गांव में 100 उद्योग। जैसे भारत में जिन गांव में कपास पैदा होती है वहां खादी बनाने का उद्योग, जिन गांव में गाय है वहां गोमूत्र से दवा बनाने का उद्योग, जिन गांव में गाय बैल भैंस है उनके गोबर से गैस निकालने का उद्योग और उस गैस से फिर गाड़ियां चलाना, बिजली बनाना, घर का खाना बनाना, और फिर गोबर जो बचेगा उससे रासायनिक खाद की जगह ऑर्गेनिक खाद बनाना, किसानों को उसको बंटवाना, ऐसे 100 उद्योग हर गांव में। 10 लाख करोड़ खर्च होगा और इसमें 67 करोड़ भारतवासियों को रोजगार मिलेगा गाँव का, तो बेरोजगारी पूरी खत्म होगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 330 लाख करोड़ बच गए तो और 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो हर गांव में सड़क बनेगी, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हर गांव में शिक्षा हर एक को मिलेगी, स्कूल कॉलेज सब गांव में और सड़क सब गांव में। फिर हर गांव को 24 घंटे बिजली, हर गांव के किसान के खेत को पूरे साल पानी, इसकी सारी व्यवस्था 30 लाख करोड़ में हो जाएगी और अपने पास 310 लाख करोड़ बचेगा। फिर गांव के बाद शहर का विकास करने में और 10 लाख करोड़ खर्च होगा तो 300 लाख करोड़ बच गया। अब क्या करें, शहर भी विकसित हो गए, गांव भी विकसित हो गए, 40 लाख करोड़ के खर्चे में 300 लाख करोड़ फिर भी बच गए, तो ये बचे हुए पैसे को बर्बाद नहीं करेंगे, इसको बैंक में जमा करेंगे आरबीआई में, फिक्स डिपॉजिट। आरबीआई इस पर 10% का ब्याज देगी और वो ब्याज साल का 30 लाख करोड़ आएगा और ये ब्याज इतना है कि हम पूरे देश का बजट बना सकते हैं। अभी हमारा बजट 11 लाख करोड़ का है, फिर ब्याज में ही हमको 30 लाख करोड़ मिलेगा, तो किसी भारतवासी से एक पैसा भी टैक्स लिए बिना हम बजट बना सकते, किसी से टैक्स नहीं है।
सारे टैक्स माफ कर दें, और टैक्स माफ करेंगे तो हर चीज सस्ती हो जाए। पेट्रोल अभी 60 रुपए लीटर है, वो 16 रुपए लीटर हो जाए। डीजल 40 रुपए लीटर है, वो 7 रुपए लीटर हो जाए। केरोसिन 20 रुपए लीटर है, वो 3 रुपए लीटर हो जाए। रसोई गैस का सिलेंडर 370 रुपए का है, वो खाली 70 रुपए का रह जाए। सीमेंट का एक पैकेट अभी 250 का आता है, वो 72 रुपए का आएगा। लोहा 50 रुपए किलो से 12 रुपए किलो हो जाएगा। ईंट जो 5 रुपए की है वो 90 पैसे की हो जाएगी। घर आप जो 10 लाख में बनाते हैं वो 3 लाख में बन जाएगा। ट्रेन का टिकट जो 100 रुपए में लेते हैं वो 22 रुपए का हो जाएगा। बस का टिकट जो 100 रुपए का है वो 27 का हो जाएगा। हवाई जहाज का टिकट जो 1 लाख रुपए का आता है अमेरिका से जाना और वापस आना, वो 12,000 का होता है। हर चीज सस्ती है। हमारे घर के बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं IIT में, तो 5 लाख खर्च होता है 5 साल में, फिर वो खर्चा 70,000 हो जाएगा। हमारे बच्चे MBBS MD करते हैं, 40 लाख खर्च होता है, फिर वो 4 लाख रह जाए। शिक्षा सस्ती होगी, इलाज सस्ता होगा, घर बनाना सस्ता, घर चलाना सस्ता, तो हर एक का पैसा बचेगा, आमदनी बढ़ेगी और देश की आमदनी बढ़ेगी। इसका हमने हिसाब निकाला कि जब भी किसी की आमदनी बढ़ती है और पैसे की बचत होती है तो वो व्यक्ति पैसे को बैंक में रखता, जिसको हम घरेलू बचत कहते हैं, डोमेस्टिक सेविंग। अगर ये बचत हम 40% तक बढ़ा दें देश की GDP की तुलना में, तो हमारा देश चीन और अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अमेरिका भी हमसे पीछे रहेगा, चीन भी हमसे पीछे। और एक काम हमें करना है कि गरीबी खत्म हुई, बेकारी खत्म हुई, महंगाई खत्म हुई, फिर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कानून बनाना कि जो रिश्वत लेगा और पकड़ा गया उसी को 3 महीने में फांसी की सजा, और जिस दिन 2-4-10 नेताओं को आपने फांसी पर लटकाया बाकी सब सीधे हो जाए, फिर कोई रिश्वत नहीं। आज क्या होता है, सजा नहीं मिलती, दंड नहीं मिलता, इसलिए ये छुट्टे सांव की तरह से घूमते रहते हैं भ्रष्ट नेता। फिर सजा मिलेगी, दंड होगा, ये सब सीधे हो। और एक बड़ा काम करेंगे, टैक्स खत्म हो जाएंगे देश में, इनकम टैक्स, सिंपल एक्साइज, तो वैसे भी घोटाले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स के कारण काला धन होता है, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी होगा नहीं तो फिर बेईमानी कोई नहीं करे, सब लोग ईमानदार हो जाएंगे। और आगे चलेंगे, अंग्रेजों के बनाए हुए 34,735 कानून इस देश में चल रहे हैं, वो बदलवाने हैं। IPC, CRPC, CPC, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, ऐसे ये सारे अंग्रेजों के बनाए हैं, इनको बदलना। ये जो IPC है ना, ये आयरिश पीनल कोड है, ये इंडियन पीनल कोड नहीं। अंग्रेजों ने आयरलैंड को गुलाम बनाने के लिए जो कानून ड्राफ्ट किया वही भारत पे लगा दिया, और हम उसी के चक्कर में घूम रहे हैं। और IPC जिसने बनाया उसका नाम था थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। उसने अपने बाप को एक चिट्ठी में लिखा है कि मैंने जो IPC भारत में लागू करा दिया, अब किसी भी भारतवासी को न्याय नहीं मिलेगा, सब लोग इसी में घूमते रहेंगे चक्कर घूमने की तरह से, अन्याय ही होगा। तो आज जो IPC, CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, ये मुकदमों को 25-25, 30-30 साल तक खींचते रहते, न्याय नहीं होता। हमारे भारत में जब अंग्रेजी कानून नहीं था तो न्याय कैसे होता था, एक उदाहरण दो। एक राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके राज्य में 2 माताएं आई और एक बच्चा था। एक माँ कह रही थी ये मेरा है, दूसरी कह रही थी मेरा। तो राजा के सामने मुकदमा आया, राजा ने कहा तलवार लाओ, बच्चे को आधा आधा काट दो और दे दो आधा आधा। तो असली माँ चिल्लाने लगी, नहीं नहीं बच्चों को मत काटो, दूसरे को ही दे दो। तो राजा समझ गया यही असली माँ, तो नकली माँ से बच्चा छीन कर असली माँ को दे दिया। 2 मिनट में न्याय हो गया। अब इसी मुकदमे को आप IPC में लेके आ जाओ, हाँ, और मैं चैलेंज देता हूँ कि 40 साल फैसला नहीं आएगा इसका। लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चलता ही रहेगा मुकदमा। दोनों माताएं बूढ़ी होके मर जाएंगी, बच्चा जवान हो जाएगा, फिर भी केस का फैसला नहीं होगा। ये है अंग्रेजी न्याय। तो हमें ये बदलना है, न्याय वो जो चंद्रगुप्त जैसा,
दो तीन महीने में हर मुकदमे का फैसला आ सकता है अगर हम इन कानूनों को बदलते हैं, तो ये हमें करना है। और अंत में फिर एक बड़ा काम करना है कि अपने भारत की बहुत सारी जमीन विदेशियों के कब्जे में है, 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन के पास है और 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के पास, ये दोनों वापस लाना है। कैसे आएगा? इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास कराना है और उस प्रस्ताव के लिए 70 वोट की ज़रूरत है। तो भारत के पड़ोस के जो 70 देश हैं इनसे दोस्ती करेंगे, जैसे नेपाल, जैसे बांग्लादेश, तो आप बोलेंगे वो दोस्ती कैसे होगी? हमारे पास जो 30 लाख करोड़ सालाना की आमदनी आएगी और हमारा खर्च सिर्फ 11 लाख करोड़ सालाना है, 19 लाख करोड़ हर साल हमारे पास बचेगा, उसका क्या करेंगे? तो पड़ोसी देशों को बांटेंगे, कर्जे के रूप में देंगे उनको, सॉफ्ट लोन के रूप में देंगे। और ये धन जब हम पड़ोसी देशों को देंगे तो उनकी गरीबी और बेकारी इससे दूर होने लगेगी, तब वो हमारे समर्थन में संयुक्त राष्ट्र में जोरदार आवाज करेंगे। हमने तय किया हुआ है कि सब पड़ोसी देशों को मदद करेंगे, पाकिस्तान को नहीं करेंगे और चीन को भी नहीं करेंगे, इनसे तो पुराना हिसाब चुकाना है, बाकी सबकी मदद करेंगे। तो चीन पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएंगे, 70 देश हमारे साथ आ जाएंगे, फिर ये हमारे पक्ष में वोट डाल देंगे तो चीन की जमीन हमारी वापस आएगी, पाकिस्तान से कश्मीर आ जाएगा। और बाद में इसी प्रस्ताव के आधार पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त करेंगे और 70 देशों की सेना जाएगी ये काम करने, और ये काम करके फिर अंत में एक छोटा काम करेंगे कि अंग्रेज भारत में आकर जितना धन लूट ले गए ये सब वापस लाना है। हमारा कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने लूटा, सोने का सिंहासन लूटा, एक अंग्रेज आया रॉबर्ट क्लाइव, वो पानी के 900 जहाज भर के सोना ले गया यहाँ से, वही सोना हम वापस ले आए तो आज 450 लाख करोड़ का है। इसके लिए हम बड़ी एक तैयारी कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में एक मुकदमा करना है अंग्रेजों के खिलाफ और उसकी मदद से ये काम हम करेंगे। और इस मुकदमे के लिए जो प्रमाण चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, वो हमने इकट्ठे कर लिए। सारी दुनिया में अंग्रेज ये कहते हुए घूमते हैं कि भारत से जो भी कुछ हम लाए ये भारत ने हमें गिफ्ट में दिया, हम सिद्ध करेंगे कि वो उन्होंने लूटा, और जिस दिन वो लूट सिद्ध हो गई वो सब अंग्रेजों को वापस करना है। और 450 लाख करोड़ का सोना अगर अंग्रेज वापस कर देंगे तो ये सोना आते ही भारत में दो क्रांति होगी, भारत रातों रात सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर हो जाए, और भारत का जो रुपया है वो डॉलर से 50 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाए। अभी $1 में 45 रुपए है, फिर ₹1 में $5 हो जाए, और ये होने के बाद भारत का निर्यात अभी जो 8 लाख करोड़ का है वो 400 लाख करोड़ का होगा, और भारत के लोग जो अमेरिका में भाग गए थे वो सब वापस आते हैं, क्योंकि जो भारतवासी अमेरिका गए ना वो $1.50 के लालच में गए, अब ₹1 में $5 हो जाएगा तो वो झक थोड़ी मारेंगे वहाँ वापस आएंगे। और भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर, भारत के डॉक्टर वापस आएंगे तो नई नई मशीनें बनेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी। आपको एक ही उदाहरण देता हूँ, अमेरिका में जो नासा नाम की संस्था है वहाँ 36% वैज्ञानिक भारत के हैं, अगर ये सब वापस आ गए तो नासा जैसी हम सैकड़ों संस्थाएं बना लेंगे। तो भारत तकनीकी रूप से सर्वश्रेष्ठ बनेगा, उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, हम दुनिया में जगत गुरु बनेंगे, सोने का शेर बनेंगे। ऐसा भारत बनाना है जो दुनिया में आदर्श हो, गरीबी, भुखमरी, बेकारी सब मिटाने, और इसी कार्य को करने के लिए भारत स्वाभिमान का आंदोलन शुरू हुआ है। आप इसमें थोड़ी मदद कर दो, मदद इतनी कर दो कि आप सब इसमें जुड़ जाओ, मेंबर बन जाओ, और भारत स्वाभिमान का मेंबर बनने के लिए मात्र ₹11 दान देकर कोई भी बन सकता है। तो आप ₹11 दान दो, भारत स्वाभिमान में जुड़ जाओ और हमें 15 से 20 करोड़ ऐसे मेंबर बनाए। आप पूछोगे ये ₹11 क्यों ले रहे हैं, ये उसी तरह से हम ले रहे हैं जैसे महात्मा गांधी लेते थे। महात्मा गांधी हर भारतवासी से 25 पैसा लेते थे आज़ादी की लड़ाई के लिए, 4 आना, और गांधी जी के ज़माने का 25 पैसा आज ₹11 के बराबर।
तो आप 11 रुपए दो, हमारे सदस्य बनो और 10-10, 20-20 लोगों को प्रेरित करो, वो भी सदस्य बने। ऐसे 15 से 20 करोड़ सदस्य अगले 4 साल में बनाने हैं और फिर इस काम को पूरा करना है। एक सन्यासी ने ये संकल्प लिया है, हम सबको ये पक्का विश्वास है कि ये होने वाला है, क्योंकि सन्यासी का संकल्प अधूरा नहीं रहता, ईश्वर हर सन्यासी के संकल्प को पूरा। सन्यासी जब संकल्प करता सब काम होते हैं। तो फिर से एक सन्यासी आए हैं, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उन्होंने संकल्प लिया है कि देश को सोने का शेर बनाना है, जगत गुरु बनाना है, पूरे भारत को स्वस्थ समृद्धशाली शक्तिवान बनाना है। इसी में हम सबका पूरा जीवन लगा हुआ है, आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, हमारे सदस्य बने, दूसरों को बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, यही भावना लेकर मैं आपके बीच आया। उम्मीद है कि आप जरूर हमारे सदस्य बनेंगे और दूसरों को भी बनने के लिए प्रेरित करेंगे। परम पूजनीय स्वामी जी इसी कार्य के लिए जनवरी महीने में यहाँ आ रहे हैं, 28-29 को आप उनके सामने भी हजारों की संख्या में आए और हजारों की संख्या में सदस्य बने, आपको भी खुशी होगी और परम पूजनीय स्वामी जी को भी आनंद मिलेगा। यही बोलकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चलते चलते मैं बोलूँगा भारत माता की, हम सब बोलेंगे जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।